ऐसे स्टार्ट है ऐसे। स्टार्टेड ना? हाँ ठीक है सर। सर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है, अच्छा चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का स्टॉक मार्केट बेसिक्स डिस्कशन फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। बेसिकली अभी हम लोग धीरे धीरे ट्रेडिंग की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुद्ध बात कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे अभी ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे सर। अभी बेसिक्स में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जिसका बेसिक वीक है उसको भी थोड़ा सुविधा होगा, और जिसका हो चुका है उनको रिविजन हो जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट सर, स्टॉक मार्केट क्या है? हम लोग ऑलरेडी आईपीओ कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे थे। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। देखिए सर, मैं जो जो पॉइंट ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया स्क्रीन में दिख रहा होगा आप सबको। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोगों ये बात किया सर, नीड टू इन्वेस्ट, है ना सर, कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो क्यों फंस जाओगे? सिंपल बात है, इसलिए फंस जाओगे आप क्योंकि आप अपना ज़रूरत का जो भी नीड है आपका फाइनेंशियल नीड, या फिर ज़िंदगी का कुछ शौक भी तो होता है, वो आप शौक से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और एक मैंने प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, और ऐसे जगह में करना चाहिए कि जब आप रिटायरमेंट करो या फिर जब आप अपने मिड एज में आ जाओ, तब आपको थोड़ा सा ज़िंदगी को ईजिली सर्वाइव करने का मौका मिले। इसीलिए टाइम टू टाइम जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, कहा जाता है कि अगर आप 25-30 में स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। जो आजकल न्यू जनरेशन काफ़ी पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली हमारे देश में एक प्रॉब्लम क्या है ना, ये बात कहना बहुत ईजी है कि नीड टू इन्वेस्ट जब हम लोग क्लास में बता रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, बट इस पर एप्लीकेशन करने के लिए लोगों के अंदर ना वो कॉन्शियसनेस अभी भी नहीं है। बहुत बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि लोग सबसे पहले तो पैसा कमाने के चक्कर में पीछे भागते हैं। अच्छा, जितना पैसा मिल जाता है हम लोग जल्दी खर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर एक यूथ को देखो, जैसे ही पहले 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 नौकरी मिलता है उसको, नौकरी मिला नहीं, सैलरी घुसा नहीं, सिर्फ CTC कंपनी की तरफ से मिला है, सबसे पहले जाएगा एक बाइक बुक करेगा, यस और नो? ठीक है, एक बाइक बुक करेगा 1.5-2 लाख का। ठीक है, फिर उसको EMI में कन्वर्ट कर देगा, पर जैसे सैलरी घुसना चालू करेगा फिर EMI से कटता जाएगा, तो बंदा कमाएगा क्या, बचाएगा क्या और खाएगा क्या? अच्छा, खाना छोड़ो, बाबा माँ का होटल जितना दिन तक है वो तो ठीक है, लेकिन चक्कर क्या है, माँ बाप तो हमेशा खिलाएगा बच्चे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें ना ये जो कॉन्शियसनेस है, मैं बाइक लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बाइक तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आप शुरू में ही अगर लाइबिलिटी में चलोगे, स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, स्टार्ट करें लाइबिलिटी से, पहले थोड़ा एसेट तो क्रिएट करो, फिर धीरे धीरे लाइबिलिटी को ग्रो करो, तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। चक्कर क्या है, लाइबिलिटी बढ़ता जाता है। अच्छा, फिर एक बाइक से बात नहीं बनेगा, फिर कुछ दिन बाद आईफोन जुड़ जाएगा, सैलरी 3 महीने का भी नहीं आया, 4 लाख का लोन आ गया। समझ रहे हो सर प्रॉब्लम क्या है? अब पैसा वो बचाने के चक्कर में वो पागल ही हो जाएगा। मैंने पागल इन द सेंस क्या, दिन रात वही काम करेगा, दिमाग मैंने ब्रेन जो है वो अभी स्टेबल नहीं रहेगा, वो किसी भी तरह से EMI को चुकाने के पीछे भागेगा, वो सेविंग्स के पीछे नहीं भागेगा, उसका दिमाग तब पूरा का पूरा EMI के चक्कर में पड़ जाएगा, और EMI के चक्कर में वो अल्टीमेटली स्टार्टिंग में ही उसका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। नीड टू इन्वेस्ट कैसे समझेगा, जो भी हो, लेकिन ये कॉन्शियसनेस डेवलप होना जरूरी है सर। ठीक है, तो नीड टू इन्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं रेगुलेटर्स का एरिया, या फिर कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट को कौन चलाते हैं, है ना, गार्डियन ऑफ द कैपिटल मार्केट, जैसे कि SEBI, है ना, एज वेल एज रेगुलेटर्स के अंदर हम लोग और भी NSDL, CDSL इस तरह का पार्ट को देखेंगे। फिर आ जाते हैं सर मार्केट इंटरमीडियरी, जैसे कि ब्रोकर, जिसके बिना हम लोग मार्केट में पहुंच नहीं पाते, और जो एक्सचेंज चलता है NSE, BSE, है ना, ये अगर आपको NSE में जाना हो, BSE में जाना हो, थोड़ी ना हम पैदल चल के जा सकते हैं, नहीं जा सकते सर, हमें जो भी करना होगा थ्रू ब्रोकर करना होगा। फिर मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताया, और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनी का जो लिस्टिंग प्रोसेस है, वो लिस्टिंग प्रोसेस से ही सारा खेल डिपेंड करता है। आज मार्केट में करीब करीब 7,000 कंपनी लिस्टेड है अप्रॉक्स, है ना, BSE एज वेल एज NSE मिला के,
बीएससी में आपको अप्रोक्स 5,000 कंपनी मिलेगा, क्योंकि बीएससी पुराना है, 1880 के आसपास से बीएससी चल रहा है सर हमारे देश में, फ्रॉम 1880s, ठीक है, उससे भी थोड़ा पहले हो सकता है, बट मैं आपको अप्रोक्स डेट बताया, आप बाद में गूगल कर सकते हो। एनएससी जो है ये 1960-70s के आसपास में बना, यहाँ पर आपको अप्रोक्स 2,000 के ऊपर कंपनी मिलेगा, और ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सचेंज में से एक है। अब 7,000 कंपनी मार्केट में आया कैसे, उसका प्रोसेस ही मैं आप लोगों को लास्ट दो क्लास से समझाने का कोशिश कर रहा था, और भी कंपनी आ रहा है, जैसे लास्ट दिन एक कंपनी बता रहे थे आईआरएम एनर्जी बोल के, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली आ रहा है सर, आजकल में आ जाएगा। ये देखो मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन में, देखो ये बेसेबी के साइड में भी आपको मिल जाएगा, या फिर किसी भी कंपनी के आईपीओ के लिस्ट में जाएंगे, आईआरएम एनर्जी लिमिटेड, ये देखो इसका प्रॉस्पेक्टस ओपन करोगे ना, आपको पता लग जाएगा ये कंपनी क्या है, क्या करता है। जैसे देखो ये क्या है, ये एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो बेसिकली बनसकांठा गुजरात में बना हुआ है, ठीक है, बनसकांठा गुजरात, फतेहगढ़ साहिब पंजाब, दीव एंड गिर सोमनाथ, ठीक है, आपका ये भी गुजरात में आता है, दमन दीव एंड उस एरिया में, एंड नमक्कल एंड तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ यहाँ इनका गैस डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शहरों में। ये जो भी शहर आपके सामने है ना सर, ये सब स्मार्ट सिटी है, सब बहुत ही माने हाईटेक सिटी में से एक है, बन रहा है गुजरात में, तो ऐसे ऐसे गांव भी बना है, गांव में भी गैस सप्लाई थ्रू पाइपलाइन होता है, क्योंकि इसके पीछे गुजराती बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, ठीक है, चलो वो अलग बात है, हमारे यहाँ पर हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कहाँ हम लोग रह गए। तो ये बिजनेस का, ये बेसिकली सीएनजी एज वेल एज पीएनजी, सर मैं आपको बिजनेस के बारे में हल्का इसलिए आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि कंपनी लिस्टेड होने वाला है, तो थोड़ा आइडिया ले लो ना, ठीक है, इसलिए ऑलवेज अपडेट रहना, कौन कंपनी क्या करता है, ठीक है। तो ये सीएनजी गैस में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ये सब को चाहिए होता है, और पीएनजी के अंदर पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, जिसके थ्रू से ये कॉमर्शियल लेवल में, इंडस्ट्रियल लेवल में, एज वेल एज कॉमर्शियल लेवल में, इंडस्ट्रियल में जैसे छोटे छोटे इंटरप्राइज को देता है बिजनेस, जो इंडस्ट्री चलाते हैं उनको भी गैस सप्लाई करते हैं, और पीएनजी लेवल में होटल्स, रेस्टोरेंट, बेकरी, हॉस्टल्स, कम्युनिटी हॉल, ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ता है ज्यादा अमाउंट का वहां पर गैस सप्लाई करता है, डोमेस्टिक में भी हल्का फुल्का स्टार्ट किया है कुकिंग गैस में, ठीक है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है ना सर, ग्रोथ माने मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मॉडल जो इनका जो बिजनेस है, ये बिजनेस माने फ्यूचर बहुत हाई है इसका, आंख बंद करके अब देखना ये पड़ेगा कि बिजनेस मैनेज कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको पूरा एनुअल रिपोर्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हो सके तो इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर आप बिजनेस के ऊपर भरोसा भी कर सकते हो। और अच्छा, इसके साथ ये भी देखना पड़ता है जब एक कंपनी का आईपीओ आता है कि इसका कोई कंट्री माने सिमिलर कोई कंपनी मार्केट में है कि नहीं, पीयूष या फिर अपना नंदन जी बताओ सर, फंडामेंटली काफी आप लोग रिसर्च करते रहते हो, इसका कॉम्पिटिटर कौन है? इंद्रप्रस्थ गैस, तारপরে आईजीएल, হচ্ছে हाँ মহারাষ্ট্র গ্যাস, মহারাষ্ট্র आईजीएल নগর। है, महाराष्ट्र नगर निगम। अच्छा अदानी भी चलेगा क्या, अदानी गैस भी ये काम करता है? আচ্ছা আদানি টোটাল গ্যাস আছে। अदानी टोटल गैस, यस सर, समझ रहे हो सर, ये सब इसका कॉम्पिटिटर है। तो आप जब किसी एक कंपनी के बारे में एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे तो साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सिमिलर और कंपनीज मार्केट में है क्या, तो उसका मार्केट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि ये कितना कर सकता है। ऐसे हार्डली 5-6 कंपनी आपको मिलेगा, तो 5-6 कंपनी एनफ नहीं है इंडिया के लिए, 140 करोड़ से ऊपर का पॉपुलेशन से अभी हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, चाइना को पीछे छोड़ दिया, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और जितना ग्रोथ अभी इंडिया के ऊपर है, तो अभी इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बाकी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है, अच्छा इसको कितना पैसा चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट भी कंसिस्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काम कर रहा है, ये देखो मैं क्यों बोला कि ग्रोथ है, इंडियन गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली टेकिंग स्टेप्स टू डेवलप नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, एज ऑफ जून एक डेटा दिया है 23,023,478 ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑपरेशन गवर्नमेंट ने बनाया, इट ऑल्सो प्लान्स टू डेवलप ए वाइब्रेंट गैस मार्केट अक्रॉस द कंट्री, 12,037 किलोमीटर ऑफ एडिशनल पाइपलाइंस, कंप्लीट द नेशनल गैस ग्रिड, नेशनल गैस का एक ग्रिड बनाना चाहता है, डेवलपमेंट ऑफ सीएनजी एनजीजी वुड बी कनेक्ट ऑल द मेजर डिमांड एंड सप्लाई सेंटर्स इन इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जॉब गवर्नमेंट ये सब काम करना स्टार्ट कर रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है,
किस इंडस्ट्री को हेल्प होगा? ऐसे इंडस्ट्रीज को हेल्प होगा, इनके बिजनेस पे चार चांद लगेगा। अगर अभी एक चांद लगा है, दो चांद तीन चांद करके चार चांद लग जाएगा, ठीक है। तो ये समय का खेल है सर, लेकिन आप धीरे धीरे इसका समझने का कोशिश करो। ऐसा इसका जरूरत कितना है, जैसे यहाँ पर देखो एक हाउस होल्ड पीएनजी का एक डेटा दिया है, टोटल हाउस होल्ड पीएनजी कनेक्शन एक्सपेक्टेड टू सार्ज माने बढ़ेगा 78.2 लाख एज फिस्कल 2021 टू 192-200 लाख बाई फिस्कल 2026। इतना ग्रो कर जाएगा। इसके तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सेगमेंट में भी बिजनेस का काफी अच्छा ग्रोथ एरिया है। करेंटली इनको जरूरत है 545.4 करोड़ का, 545.4 करोड़ का इनको जरूरत है जो फ्रेश इशू ये करना चाहता है। पर्पस क्या है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी दिया है बिजनेस का, ये शॉर्ट में दिया है। अगर आप कंपनी का जो आईपीओ का जो प्रॉस्पेक्टस है, जो मैं आपको बार बार डाउनलोड करके दिखाता रहता था, वो डाउनलोड करोगे तो आपको और डिटेल्स मिलेगा। एक्चुअली उसी से ये डिटेल्स को लिया गया है सर। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये वैसे उस प्रॉस्पेक्टस से लिया हुआ एक समरी है, समझ में आ रहा है? पूरा खेल उस प्रॉस्पेक्टस के ऊपर दिया हुआ है। अब जो प्रॉस्पेक्टस धीरे धीरे रीड करना चालू कर दोगे तो आपको इजी होगा। जैसे देखो पैसा लेके क्या करेगा, फंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ नमक्कल एंड तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 24 से लेकर 27 में 307 करोड़ का प्रोजेक्ट है। रीपेमेंट ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, कुछ लोन है सर, ठीक है, बोरोइंग माने लोन, ठीक है, कुछ बाकी है उसको कुछ प्रीपे करेगा, कुछ रीपे करेगा। प्रीपे माने टाइम ड्यू हुआ नहीं उससे पहले कर देगा, उसको प्रीपे बोलते हैं, और रीपेमेंट माने ड्यू हो चुका है उसको करना है, उसके लिए 135 करोड़ का समथिंग पे करेगा। बाकी बैलेंस जो भी बचेगा वो कंपनी को अपने मैनेजमेंट के लिए वो यूज करेगा, कॉर्पोरेट पर्पस ऑपरेशनल के लिए यूज करेगा। तो ये इनका पर्पस है। पर्पस खराब नहीं लग रहा है सर, पर्पस मुझे ठीक ठाक लग रहा है, स्टैंडर्ड लग रहा है, पढ़ के जितना समझ में आ रहा है। बाकी एनुअल रिपोर्ट या फिर कंपनी का पिछला रिपोर्ट अगर थोड़ा सा देखा जाए तो सुविधा होगा। थोड़ा सा नीचे आ जाओ आपको कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये भी समरी है, मेन कंपनी का जो पीएल बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वहां से उठाया गया है सर, ठीक है। जस्ट एक्सट्रैक्ट बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे ना सर, तब आप लोगों को एक एक चीज कंपनी का पीएल बैलेंस शीट रीड कराना, ओके। अभी तो हम लोग ट्रेडिंग के पर्पस में पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके जब फंडामेंटल पर्पस का क्लास करेंगे ना, तो आपको मैं एक एक पीएल बैलेंस शीट से किस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है वो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप एक्सट्रैक्ट ही देखो, इसका एसेट कितना है 2021 के एंड पे वो दिया है, लास्ट 3 साल का देता है। नॉर्मली ये मार्केट प्रैक्टिस है कि हमेशा करेंट ईयर और उसके पिछला 2 साल देखा जाता है, ये मार्केट एक प्रैक्टिस है। जरूरत पड़ने से आप 3 साल क्यों, जितना पुराना कंपनी उतना डेटा देखो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक मार्केट प्रैक्टिस है कि हमेशा पिछले साल या उससे पहले का और एक साल देखा जाता है, क्योंकि 3 साल एक ऑलवेज एक साइकोलॉजिकल हेल्प करता है कि लास्ट 3 साल से कंपनी ये हालत में आया है, तो फिर चांसेस इज वेरी हाई कि बिजनेस आगे टिक जाएगा और आगे ग्रो करेगा। तो 338 करोड़ से 798 करोड़ में इसका एसेट ग्रो किया है सर 3 साल में। रेवेन्यू भी देखो 212 करोड़ से 1045, ये बता रहा है कि मार्केट कितना हाई है इसका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 34 करोड़, अच्छा 2022 में प्रॉफिट 128 चला गया था, लेकिन 2023 का जो मार्च का एंड है उसमें आपको 63 करोड़ ही दिख रहा है, माने प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया है। इसका मतलब ये हो सकता है, अब ये तो चेक करके पता चलेगा, रीजन ये हो सकता है कि कंपनी अभी काफी एक्सपेंस किया है प्रोजेक्ट, जिसके कारण खर्चा बढ़ गया है और प्रॉफिट कम हो गया है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, चांसेस इज दैट। मैं अभी पूरा रिपोर्ट तो पढ़ा नहीं सर, एक्सट्रैक्ट से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, ऑब्वियसली जब प्रॉफिट ज्यादा होता है अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है, मतलब शेयर होल्डर का पर शेयर में जो अर्निंग होता है वो बढ़ता है, लेकिन इधर प्रॉफिट देखो पहले बीच में बढ़ा था लेकिन फिर से थोड़ा सा गिरा है, पर ये 20 रुपीज पर शेयर अर्निंग बहुत बहुत ही अच्छा अर्निंग पर शेयर है, स्टैंडर्ड है। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब ये भी एक तरह का प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देने के पहले का, ठीक है। मैंने कंपनी ने अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, या फिर अगर गुडविल वगैरह है उसको अभी तक डिडक्ट नहीं किया, ठीक है, उसको करने से पहले कंपनी का 72 करोड़, 200 करोड़, 118 करोड़ का प्रॉफिट है। माने कंपनी कहीं ना कहीं नेगेटिव में तो नहीं है सर, नेगेटिव में नहीं है। हाँ मेन इनका प्रॉब्लम क्या है, अच्छा यहाँ पर देखो कंपनी का रिस्क फैक्टर भी दिया है,
पीयूष नंदन आप लोग देख रहे हो सर, आप लोगों का पसंदीदा चीज है, स्पेशली नंदन का, नंदन का बहुत पसंदीदा है। नंदन इज ऑलवेज ईगर टू, नहीं वो उसको फंडामेंटल बड़ा पसंद है, वो हमेशा मेरे को सर इसका फंडामेंटल बता दो, वो टेक्निकल में अभी रुचि नहीं बना पा रहा है, लेकिन फंडामेंटल में नंदन का काफी रुचि है। हाय नंदन, बुझते पारछिस तो? হ্যাঁ স্যার, আমি মানে অনেকদিন আগেই স্টাডি করেছিলাম, মানে ইন্দ্রপ্রস্থ ব্যাসকে তখন দেখেছিলাম ওর কম্পিটিটর ইয়েগুলো। ভেরি গুড স্যার, ওকে। তো ডিপেন্ডেন্স অন থার্ড পার্টি, ইসকা মেইন রিস্ক ফ্যাক্টর কিয়া হ্যায়, ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है नेचुरल गैस को सोर्स करने पे। तो मानो कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से जहां से ये नेचुरल गैस को लाता है, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इनका बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाएगा, सप्लाई इंपैक्ट करेगा तो बिजनेस इंपैक्ट कर जाएगा नेचुरल गैस। जैसे मानो अब एक, चलो आपको एक रिसेंट फैक्ट बताता हूँ, ये जो रिसेंट जो पैलेस्तीन और इसका वार चल रहा है, आप सबको पता है जेरूसलम और पैलेस्तीन का वार। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा मैप से दिखा रहा हूँ, हम सबको यहाँ पर रिलीजियन झगड़ा दिख रहा है, बट ये झगड़ा रिलीजियस झगड़ा से भी बड़ा झगड़ा, ये रिलीजियन झगड़ा नहीं है। मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ, ये आपको एनालिसिस करने से पता चलेगा, नॉर्मल टीवी चैनल वाले इतना फैक्ट्स आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ झगड़ा वाला कहानी दिखाएगा क्योंकि उसमें उनका टीआरपी डेवलप होता है, ठीक है। वैसा झगड़ा निकालेगा ताकि लोग टीवी देखे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम देखे, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम देखे, उनको उससे मजा आता है, ठीक है, टीआरपी बढ़ता है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये जो एरिया है ना, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इज नॉट अवर सब्जेक्ट करेंटली, बट फिर भी बिजनेस एंगल से ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास तेल और नेचुरल गैस भरा पड़ा है, ठीक है। अब ये रिसेंटली आप लोग खबर सुन रहे हो चारों तरफ, गाजा, गाजा पे अटैक हुआ है ना, गाजा स्ट्राइप पे अटैक हुआ है, गाजा स्ट्राइप, ये देखो आप स्क्रीन में देखो आपको समझ में आ जाएगा, ये इसराइल है, ये इसराइल है ना, और इसराइल के एकदम सामने एक कंट्रोवर्शियल एरिया है सर, देखो उस पर अलग से बॉर्डर बना हुआ है, दिख रहा है, ये देखो गाजा स्ट्रिप बोलते हैं इसको, ये ना बहुत ही छोटा सा एक कंट्री है, इसको ये एक्चुअली पैलेस्टीन का पार्ट है, एक्चुअली इसका ना मैप जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ा है, ब्रिटिश ने ये मैप को डेवलप किया था, ठीक जैसे इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, कुछ उसी तरह से पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कंट्री का एरिया। तो पैलेस्तीन का थोड़ा सा एरिया वेस्ट बैंक में है और थोड़ा सा एरिया गाजा स्ट्रिप, ये भी पैलेस्तीन है, ये भी पैलेस्तीन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो गाजा स्ट्रिप है ये आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर कहीं है तो वो गाजा स्ट्रिप में है, और बहुत ही कम एरिया में काफी हाई लोग, मतलब बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, अप्रोक्स 6,500 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं इस छोटा सा जगह में, 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, छोटा सा देश है, 350 स्क्वायर किलोमीटर, आप हिसाब लगा लो, मैंने ऐसे 350 ऐसे 350 ऐसे 350 ऐसे 350 खत्म। लेकिन इस एरिया का एक स्पेशलिटी है, एक एस्टिमेशन है सर, जो यूनाइटेड स्टेट्स मैंने अमेरिका चाहते हैं कि ये गाजा इस पूरा एरिया को ठीक कर दे, और इसराइल यहाँ पर लीड करे क्योंकि इसराइल इकोनॉमिकली एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली सबसे डेवलप कंट्री है इन दिस एरिया, बाकी सारा कंट्री का हालत बहुत खराब है, जैसे कि इजिप्ट ले लो, जॉर्डन ले लो, ठीक है, आसपास के कंट्री उतना अच्छा सिचुएशंस पे नहीं है, तो इसराइल लीड करेगा ऑब्वियसली, और ये गाजा स्ट्रिप में अप्रोक्स $524 बिलियन का रिसोर्स पड़ा हुआ है, $524 बिलियन। मैं आपको एक स्पेशल फैक्ट बता रहा हूँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसराइल में ऑयल एंड नेचुरल गैस नहीं मिलता और पैलेस्तीन में भी नहीं मिलता, मतलब अभी तक तो कोई खबर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि रिसेंटली मैं टेररिस्ट मैटर में नहीं जा रहा हूँ सर, दैट इज नॉट अवर पॉइंट था, मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक मैटर में बात कर रहा हूँ, कल इकोनॉमिक्स क्लास में भी मैं बच्चे लोगों को बता रहा था फाउंडेशन क्लास, तो 524 बिलियन का यहाँ पर एसेट है अप्रॉक्स डॉलर का, जिसमें यहाँ का इकोनॉमी डेवलप हो सकता है ह्यूज अमाउंट पे, और ये जो टोटल एरिया है, चाहे कोई भी जात का रहे सर, कोई भी धर्म का रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, नॉर्मली ये मुस्लिम यहूदी और क्रिश्चियन का डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन जब इकोनॉमिक पीस आ जाए ना तो एरिया ठंडा हो जाएगा, है ना सर, इकोनॉमिक शांति होना चाहिए ना, पैलेस्तीन का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पैलेस्तीन को लेके, इस मैटर को लेके कोई बात नहीं कर रहा है, अब इसी को लेके चक्कर है कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पर अमेरिका चाहते हैं कि इसराइल के लीडरशिप में, क्योंकि इसराइल यहूदी कंट्री है, बाकी आसपास में सब मुस्लिम कंट्री है, तो थोड़ा सा अनबन है कोई, लेकिन रिसेंटली सऊदी अरब, जो अरबियन नेशंस का सबसे पावरफुल नेशंस है,
वो इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और ये गाजा स्ट्रीट में जो प्रॉब्लम मैंने जो रिसोर्सेज है उसको यूज करके इस एरिया का डेवलपमेंट करना चाहता है। लीडरशिप चाहिए ना सर, और अमेरिका इसमें डील कर रहा है, ब्रोकरी का काम करेगा, बदले में उसको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। ऐसे वो दादा है, हमेशा करता है अपना, ठीक है, दादागिरी उसका है। तो 524 बिलियन का जो हिसाब है ये अगर चालू हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन पैलेस्तीन का मानना है ये सब में बाकी सब खा जाएगा, हमें कुछ नहीं मिले। अच्छा, पैलेस्तीन को कौन भड़का रहा है? ये जो हमस जो आतंकवादी संगठन है इसको भड़का रहा है ईरान, क्योंकि दुनिया में अरबियन नेशंस को छोड़ के अगर किसी के पास और सबसे बड़ा तेल का भंडारा है वो ईरान के पास है। अब ईरान देख रहा है कि अगर इसका गुड़ इसराइल खा लेगा, अरब खा लेगा, तो कंपटीशन में मैं पीछे पड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरा मार्केट खराब हो सकता है। बात को समझे सर। अब ईरान क्या कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इज दैट, मोस्ट प्रोबेबली ये सभी एक चांसेस है, एक कुछ मैं रिसर्च देख रहा था उसी से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ी ना कोई खुफिया एजेंसी चलाता हूँ, ठीक है। चांसेस इज वेरी हाई कि ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है हमास को फिनांस कर रहा है ताकि वो ये सब झमेला कर सके। ये पूरा खेल लोगों को दिखा जा रहा है रिलीजियस मैटर से है। रिलीजियस अगर 10% मैटर है ना, 90% इकोनॉमिक मैटर है, रिलीजियस ये सब नहीं होता है, ठीक है। रिलीजियस मैटर इतना ये लोगों को लग रहा है कि रिलीजियस मैटर में लड़ाई चल रहा है, मुस्लिम क्रिश्चियन यहूदी का लड़ाई चल रहा है, नहीं, वो दिन गया सर, वो क्रिश्चियन यहूदी मुस्लिम का लड़ाई 3,000 4,000 साल पहले का लड़ाई था, वो लड़ाई खत्म हो गया है। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का लड़ाई है कि कौन आगे बढ़ेगा, उसको लेके खेल है, ठीक है। तो जस्ट मैं छोटा सा एक चीज बताया आपको, बाकी आप अपना रिसर्च चला सकते हो, नो इश्यू विद दैट, ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो कंपनी के बारे में आपको मैं अभी बता रहा था, ठीक है, ये कंपनी का सप्लायर नॉर्मली ये सब कंट्री होता है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो इनका सप्लाई इंपैक्ट पड़ सकता है, आप समझ में आ रहे ना सर। तो ये इसका मेनली रिस्क फैक्टर है, और क्योंकि तेल ऐसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, हमारे देश में तो मिलता नहीं है, नेचुरल गैस भी उतना है नहीं। रिसेंटली मैं सुन रहा था कि वेस्ट बंगाल में अशोक नगर बोल के गिरिया है नोहाटी के पास, हबड़ा, हाँ हबड़ा नोहाटी के पास आसपास में एक नेचुरल गैस का एरिया निकला है, उसमें वही जैसे काम कर रहा है, बताया जा रहा है कि काफी वैल्यूएशन हो सकता है, अभी भी एस्टिमेटेड है, जॉब भी अच्छा क्रिएशन हो सकता है, अगर हो जाएगा तो जो भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में स्टेट को रन करेगा उनका खुल जाएगा, किस्मत खुल जाएगा, लेकिन पता नहीं अभी ONGC बताएगा, अभी 4-5 साल लगेगा कि एक्सट्रैक्शन होगा कितना, नीचे है कितना है पता नहीं सर, अभी एक्सट्रैक्शन का खर्चे में ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना सर, अब देखो क्या होता है। सो दिस इज द एरिया, जब आप किसी बिजनेस को देखो तो इस तरह से नॉर्मली देखना चाहिए। बाकी इधर आप देखो IPO का शेड्यूल दिया है, देखो ये इसका इशू पीरियड है 18 से 20 अक्टूबर, माने कल लास्ट डेट है, समझ रहे हो सर। तो जिसे भी अप्लाई करना है 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में अप्लाई करना है, कुछ नहीं, आपका जो ब्रोकिंग का ब्रोकर का ऐप होता है वहां पर ही ना IPO का एक टैब होता है, उस IPO टैब में जाके आपको नॉर्मली एक लॉट कम से कम लेना पड़ता है। एक लॉट के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ, इसका I think 29 शेयर्स लेना मिनिमम है, 15,000 काछाची हो जाए। हाँ 29 शेयर्स, हाँ वेरी गुड ये पीयूष। और अगर आप 505 करके भी डील करते हो ना, 29 × 505 देख रहे हो ना सर स्क्रीन में, तो अप्रोक्स 15,000 के आसपास आपका खर्चा पड़ेगा, इसमें आपको एक लॉट मिलेगा सर। अगर आप दो लॉट लेना चाहते हो तो दो के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है। लास्ट दिन मैं एक चीज समझा रहा था ना, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन नॉर्मल है तो सबको मिलेगा, लेकिन इसमें लिस्टिंग गेन का चांसेस कम होगा। अगर सब्सक्रिप्शन नॉर्मल है, माने ना तो ओवर है ना तो अंडर है, एट पार है, तो आप समझ लो कि 505 का शेयर है ना, वो 505 515 हार्डली इसी रेंज पे लिस्टिंग करेगा, तो फिर आपको लिस्टिंग में कोई फायदा नहीं। हाँ फ्यूचर में शेयर पे ग्रो होगा वो अलग बात है, अगर आपको लग रहा है कि ये दाम सही है, इसका अलग एनालिसिस होता है कि 505 क्या सही दाम है शेयर का। अगर ये दाम सही लग रहा है, नॉर्मली कंपनी हमेशा लिस्टिंग में ज्यादा दाम बोलता है, लिस्टिंग में हमेशा कंपनी दाम ज्यादा करके ही बोलता है क्योंकि उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना। तो लेकिन कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जिसको लेके काफी मार्केट में क्रेज रहता है, ऑलरेडी प्रीमियम में होता है, फिर भी लोगों का इतना क्रेज होता है कि 500 का शेयर 1,000 में चला जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता, फिर लोगों को लगता है कि तो जरूरत से ज्यादा हो गया, फिर जैसे ही 500 का शेयर 1,000 में हो जाएगा ना, लोग सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा और 500 का शेयर शायद 300 में आ जाए, ये खेल है, ठीक है। अब ये मार्केट का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ,
ये 505 का शेयर मुझे लग रहा है, मैं तो अभी पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ा, जस्ट एक्सट्रैक्ट आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो ये एक मॉडरेट रेट है, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन हाई है तो फिर ये 500 का शेयर ही 700 800 में, अगर कम से कम 600 में भी लिस्टेड हो जाए पर शेयर 100 तो भी काफी है, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अगर ओवर होगा तो ऐसे सिचुएशन देखने को मिलता है, अगर अंडर होगा तो कम दाम मिलेगा, एट पार होगा तो एटलीस्ट इसी दाम पे आपको मिलेगा। तो अगर इसी दाम पे मिलता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अब फ्यूचर में होल्ड करके रखो। अगर बिजनेस में ऐसे बिजनेस में दम है, बिजनेस में दम है, लेकिन शेयर का दाम हमेशा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आईपीओ में ऑलवेज प्राइस थोड़ा सा चढ़ा के ही बोला जाता हमेशा। तो अगर स्टॉक में काफी क्रेज ना हो तो आईपीओ में ना ही लेना अच्छा, बट अगर स्टॉक में काफी क्रेज है, आपको लग रहा है कि अगर मैं ना लूं तो और भी लाखों लोग ले लेगा, तो ऐसे क्रेजी स्टॉक में आप जरूर ट्राई करें। मैं नॉर्मली आईपीओ लेता हूँ, 4 में से 3 बार सक्सेसफुल रहता हूँ, 1 आध बार अनसक्सेसफुल रहता हूँ, पर मुझे आईपीओ अच्छा लगता है, मैंने मैं थोड़ा सा खुश रहता हूँ आईपीओ को लेके, बिकॉज इसमें लिस्टिंग गेन का भी एक चांसेस रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं लॉस नहीं करता आईपीओ में, मैं भी लिस्टिंग गेन से लॉस किया हूँ, लेकिन ज्यादातर प्रॉफिट करता हूँ, इतना मैं आपको बोलूंगा। सो कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा था इतना देर से, ये और कुछ भी नहीं था, एक आईपीओ प्रोसेस का फाइनल कॉन्सेप्ट था कि कंपनी आईपीओ कैसे आता है। ये हम लोग एक केस स्टडीज क्लास में देखें, पूरा प्रोसेस देखें, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि जो हो रहा, बात समझ में आया सर, ठीक है। इस तरह से हमेशा कंपनी आता रहता है, आपको फोकस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। कभी कब कौन सा स्टॉक, जैसे एमटर टेक्नोलॉजी हम आपको बता रहा था, परास डिफेंस, कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक है, हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टॉक है ना, कैम्स, इतना लिस्टिंग इन दिया है डीमार्ट, ठीक है, मैंने आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते, मैंने लोग इमेजिन नहीं कर सकता कि 300 का शेयर 600 हो जाएगा लिस्टिंग डे पे, उसी दिन डबल। परास डिफेंस तो 3 गुना बड़ा था, डबल से भी ज्यादा। आप रिसर्च कर सकते हो, आप जो भी मैं बता रहा हूँ अब उसको ना लिख के रखो, घर पे जाके आराम से गूगल कर दो कि सर ने बता रहा था, ठीक है। मेरे बात को कभी भी एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपना दिमाग बनाना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका एनालिसिस मेरे से भी बेहतर निकले। हाँ सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। इसीलिए अपना रिसर्च बनाओगे तो इस मार्केट में बन पाओगे सर। तो आज मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ सर, अब कंपनी अपना आईपीओ लेके तो आ रहा है, ठीक है, अब कंपनी स्टॉक मार्केट में आ गई। अच्छा, जब तक कंपनी आईपीओ लेके नहीं आया था या आईपीओ का जो प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को बोलते हैं सर प्राइमरी मार्केट, उस प्रोसेस का नाम है प्राइमरी मार्केट। और जैसे ही कंपनी एक बार लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब मैं आपको सेकेंडरी मार्केट दिखाता हूँ, जिनको स्टॉक मार्केट का कोई आइडिया नहीं है उनको देखने में सुविधा होगा। जैसे ये देखो सर, ये मेरा एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना सर स्क्रीन में, ये देखो, ये निफ्टी ओपन है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 मेरा क्या है, ये मेरा वॉच लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग अलग कंपनीज को लिस्ट करके रखता हूँ, ये तो ऐसे तो मेरा ये डेमो एरिया है, डेमो अकाउंट है, बट यहाँ पर जो भी स्टॉक मैं रखता हूँ उसको मैं वॉच करता हूँ, फिर जो भी कंपनी लिस्टेड होता है ना वो लिस्टेड कंपनी आपको यहाँ पर दिखेगा, हर किसी का, उसका शॉर्ट नाम होता है सर। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था परास डिफेंस का ना बोल रहा था अभी, चलो मैं आपको परास डिफेंस का दिखाता हूँ। परास डिफेंस, ये क्या नाम है रे परास डिफेंस का शॉर्ट नाम, ये वाला ना, ये स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है सर, ये देखो, मैं क्योंकि अभी बता रहा था इसलिए मैं आपको प्रमाण भी थोड़ा सा दे रहा हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, और इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी काफी क्या है सर, ग्रोथ स्टेज में है। आपको पता है रिसेंटली नासा ने इसरो को ऑफर दिया कि आपका जो साइंटिफिक, जो भी आपका रिसर्च है वो हम परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, चंद्रयान के बाद, ठीक है। तो इसरो बोला, इसरो तो चुप है, कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि अभी किसी को कुछ बेचना नहीं, ठीक है, अभी जो है अपना है, हाँ, हम लोग ऐसे ही ग्रोथ करेंगे, ठीक है, और हम दिखा देंगे दुनिया को कि इंडियन साइंस कितना डेवलप है, ठीक है। इंडिया 1947 में नहीं बना है, ये बात लोगों को समझना पड़ेगा, देश बहुत पुराना है,
प्रॉब्लम यही है कि इतिहास इस तरह से लोगों को पढ़ाया गया कि जैसे देश 1947 में बना है। हमारा देश बहुत पुराना देश है, हमारा एडुकेशन, हमारा हर चीज काफी पुराना है, और तो पुराना होने के पीछे हमारा साइंस भी काफी पुराना है, अच्छा भी है। हम सबको पहले से पता था, कुछ लोग मानते नहीं है, लेकिन समय आने पे जब नासा बोल रहे तब बोलेंगे हाँ। हम लोगों ने ये सारा साइंस का खेल, ये जो चंद्रयान भेजना, स्पेस में रॉकेट भेजना, ये सारा खेल हम लोगों को पहले से पता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं सर, आप खुद भी मानोगे, सबको मानना पड़ेगा कि ये जो टेक्नोलॉजिकल जो रिसर्च कर रहे हैं ना, जिस तरह का एप्लीकेशन कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर द अर्थ। ये अर्थ का ये जो बैलेंस है उसके लिए अच्छा नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये दुनिया को खत्म करेगा, ये बिगाड़ रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्र में भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि हम सब पता है, हनुमान चालीसा में ही तुम पढ़ लो ना, युग सहस्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जान। तो रामचरित मानस जब लिख रहे थे तुलसीदास बनारस के घाट में, उनको कैसे पता 500 साल पहले वेद से लिया गया, उनको कैसे पता कि यहाँ से सूरज 15 लाख कोटि किलोमीटर दूर है। ये जो युग सहस्र योजन, इसको आप कन्वर्ट कर दो, नासा के इस ट्रेजेक्टरी में भी डाला गया था, एग्जैक्टली वही वही किलोमीटर निकला जो नासा ने रिसेंटली 1970s में बोला। हाउ कैन इट पॉसिबल, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बहुत बेहतर है, लेकिन हमें पता है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं, ये दुनिया को खत्म करेगा। क्या कर रहा है सीरिया, क्या कर रहा है ये इसराइल टेक्नोलॉजी लेके, हमास क्या कर रहा है, ये उसको स्पेस रॉकेट मार रहा है, वो उसको रॉकेट मार रहा है, फिर अपना पूरा खर्चा रॉकेट को बंद करने में कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्या फायदा, सब बर्बाद हो रहा है। इससे पहले अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, जापान ने किया, लेकिन इससे ज्यादा अपना खर्चा ये सब नहीं चल, कोई मतलब नहीं है, फिजूल का चीज है, बेकार का चीज है। ये जो फालतू का रिसर्च दिखा के हम बड़ा चल रहे हैं ना सर, पाकिस्तान को देखो, फालतू में इंडिया के साथ पंगा लेके एटॉमिक पावर में खर्चा करके अभी आटा खाने का पैसा नहीं है, क्या मतलब है। पाकिस्तान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ देश नहीं बनना चाहिए था वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वहां का लोग तो हमारे जैसे ही हैं, उनको क्यों फालतू का प्रॉब्लम होगा, और उसको क्यों ब्रेन वॉश किया जाएगा कि भाई आप इंडिया आपका दुश्मन है, बच्चा बच्चा लोग समझता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं सिखाया जाता कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है। हाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान हमें तंग करता है, लेकिन इसका मतलब हम लोग ये नहीं सिखाएंगे कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, आप पाकिस्तान में जाके लोगों को उड़ा दो, ठीक है। तो ये सीख बहुत खराब चीज है। तो साइंस ग्रो करना अलग चीज है, और साइंस को दुनिया को खत्म करने के लिए यूज करना वो और खतरनाक चीज है। अब क्या है ना, भारत अब देख क्या रहा है कि हम भी चुपचाप बैठे रहेंगे तो दुनिया हमको खत्म कर देगा, इससे अच्छा है भाई खत्म होंगे तो सब एक साथ ही होंगे, और क्या कर सकते हैं। इसलिए इंडिया भी चालू हो गया, नहीं तो सीरियसली इंडिया को कभी ये चीज पसंद नहीं था, कभी पसंद नहीं था, नहीं तो एक बॉम्ब बनाना इतना क्या बड़ा बात है। हाँ कोई बड़ा बात नहीं है सर, बॉम्ब बना के लोगों के ऊपर गिरा के अपने आप को महान समझ, कोई महानता नहीं है इसमें। ये देखो सर, परास डिफेंस का मैं आपको जो बता रहा था, आप देखो एक बार, ये 2020 से पहले आया था, ठीक है, কবে ছিল রে পিউষ মনে আছে? 20-20 তে এসেছিল মোস্ট প্রবলি, 20-21 হবে, দেখ সকতে আপ, দিখাই দে রে আপ লোগো, দেখো 468 সামথিং এসা কুছ দাম আয়া থা, আর ইয়ে লিস্টিং গেইন দিয়া থা উসি দিন পে, এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড, ইসকো থোড়া সা জুম করতা হুম, ইসকা লিস্টিং গেইন দেখো, ইয়ে দেখো, ইয়ে লিস্টিং গেইন কা ডেটা হ্যায়, 400 का একুশ শেয়ার, এর দিকে এসেছিল মনে হচ্ছে স্যার, হ্যাঁ মোস্ট প্রবাবলি 21 কে এন্ড পে, 21 এর দিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ ये देखो सर, देख रहे हैं सर आप लोगों को, 400 का शेयर, 400 तो इससे इससे भी कम दाम था, 300 समथिंग था लिस्टिंग गेन ही दिया था, 600 700 समथिंग 800 ऐसा कुछ। ये देखो ना, ये स्टार्टिंग एरिया है 5-6 अक्टूबर, ये देखो कहाँ से कहाँ गया, देखो देखो ये 4-5 दिन में हुआ है, अक्टूबर में से स्काई रॉकेटिंग आईपीओ आने के बाद, 400 का शेयर 1200-1500 में चला गया, क्यों? क्योंकि स्पेस साइंस में इंडिया का काफी नाम हो रहा था, और टेक्नोलॉजिकली हम लोग काफी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आजकल, रिसेंटली हम लोग फिलीपींस म्यांमार को एक्सपोर्ट करते हैं, अग्नि मिसाइल्स है ना हमारा, हम लोग म्यांमार को बेचते हैं, फिलीपींस को बेचते हैं, अब वो लोग रशिया से नहीं ले रहे, हमसे ले रहे हैं, रशिया भी चिंता में पड़ गया, कितना दिन हम भारत को देखा, भारत हमारा मार्केट ले रहा है। अब क्या है ना सर, समय तो बदलेगा ना, आज नहीं तो कल बदलेगा,
इसलिए देखो आज रशिया आजकल चाइना के साथ दोस्ती ज्यादा कर रहा है, ऐसे भारत के साथ दुश्मनी नहीं लेगा वो कभी भी, मोस्ट प्रोबली, मोस्ट प्रोबली, पता नहीं चलता। पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं चलता कौन कब कौन किसके तरफ होगा, नो वन नोज। इसलिए अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखना है, पता नहीं कौन किसका मूड घूम जाए। अब देख सकते हैं आप कि आईपीओ का क्या खेल है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया ना। क्वेश्चन इज दैट कि ये जो मार्केट है, अब हम लोग स्टॉक मार्केट में बात करेंगे, एक कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हो रहा है, आपको आईपीओ प्रोसेस पता चल गया, सर्कमस्टेंसेस दैट लीड ए कंपनी टू ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक एंड रेज फंड्स, है ना। वी आर नाउ सेट टू एक्सप्लोर द स्टॉक मार्केट ए स्टेप फर्दर। वंस ए कंपनी बिकम्स पब्लिकली ट्रेडेड, अब कंपनी पब्लिकली ट्रेडेड हो गया, अब आप इजिली जब भी सेकेंडरी मार्केट में आ गया, अब पब्लिक क्या करेगा, इजिली इस कंपनी का शेयर मार्केट से बाई कर सकता है, जरूरत पड़ने से सेल भी कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कंपनी को लिक्विड होना पड़ेगा, अगर मानो कि शेयर पहले लोग खरीद तो लेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बेच नहीं पाओगे। क्यों नहीं बेच पाओगे, क्योंकि मार्केट लिक्विड नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि स्टॉक खरीदने का कोई है नहीं, खरीदार नहीं होगा तो बेचोगे किसको। लेकिन सर अगर बिजनेस स्ट्रांग है ना तो बेचने का आदमी मिल जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस स्ट्रांग नहीं है तो शायद आपको खरीदार मिलना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए 7000 कंपनी है, ऐसा भी कंपनी आपको देखने को मिलेगा जो शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, आपको ऐसा भी कंपनी देखने को मिलेगा जो शायद उतना स्ट्रांग नहीं। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कह रहे हो? हाँ सर, रिसेंट एग्जांपल अपनी एमएमटीसी सर्च करो ना, एमएमटीसी बिडिंग देखूँ, कोनो बाय नहीं है किसी थे। एमएमटीसी? हाँ, गवर्नमेंट बोले थे कंपनी रह के तुला देगा। एमएमटीसी, चलो देखते हैं। देख सही लिखा मैंने, ये वाला? हाँ हाँ। ओके चलो चार्ट ओपन करते हैं। एमएमटीसी, चलो नंदन ने मेरे को एक एग्जांपल दिया सर, एमएमटीसी देखो, ट्रेड तो हो रहा है रे, नहीं काफी हालत खराब है। ये कंपनी को गवर्नमेंट बोला है कि उसको हटा देगा क्योंकि कोई बायर नहीं है, ऐसा खबर नंदन को रिसर्च करके मिला है, इसका प्रॉपर कोई बायर नहीं शायद। ये गवर्नमेंट अनाउंस करे छे जे ए कंपनी का একটা কি শ্রী রতন বলে এরকম একটা কোম্পানি আছে, দুটো কোম্পানিকে আনলিস্টেড করে দেবে গভর্নমেন্ট, কারণ মানে বেসিক্যালি ये प्रोमोटर लेवल में बाइंग सेलिंग चल रहा है, माने खुद ही खरीदते हैं खुद ही बेचते हैं अपने बीच में करेंगे सर। देखो तो अभी तो जस्ट दिखा रहे हैं, ये सब एनालिसिस करना सीखेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, इसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं सर, ठीक है। लेकिन इस तक पहले तो समझना पड़ेगा कि ग्राफ बनता क्यों है, है ना, पहले बैकग्राउंड को सीख लो, सब सीखेंगे। एक एक ग्राफ बात करता है सर, ये जो एक एक चार्ट है ना वो बात करता है आपसे, ठीक है। तो जब भी बात करेगा ना आपको समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है, कभी कभी बात थोड़ा सा उनका स्लिप ऑफ टंग भी होता है, तो स्लिप ऑफ टंग भी समझना पड़ेगा, माने वो जो बोल रहा है शायद वो बोल नहीं पाया मार्केट कुछ कहता है, जैसे एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था, हर दिल कुछ कहता है, ऐसा ही हर कैंडल कुछ कहता है, इसको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। तो जो भी हो, मेरे को एग्जाम्पल मिला अभी नंदन से कि एमएमटीसी बोल के कंपनी है, गवर्नमेंट देख रहे हैं इसका प्रॉपर बायर नहीं है, तो ये बेसिकली मैनिपुलेट हो सकता है, और मैनिपुलेट होकर आपका शेयर खराब हो सकता है। जैसे एक कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को याद आया, साधना, ये सब जानना है, साधना ब्रॉडकास्ट, इसके बारे में पहले भी मैं क्लास में बातचीत किया, इसका हालत देखो सर, साधना ब्रॉडकास्ट एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ठीक है। मार्केट में एक फेक न्यूज निकला था यूट्यूबर से, और यूट्यूब को प्रमोट किया था अरशद वारसी जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार ने, जानते हो ना अरशद वारसी को, और मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो सर्किट बना था, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी नहीं देखा, बोल गए उसमें देखना, एक सर्किट बोल के एक कैरेक्टर था, काफी फेमस हुआ था, उनका नाम है अरशद वारसी, और उनका वाइफ और भी कुछ को स्टार है बॉलीवुड में काम करते हैं। तो वो यूट्यूब चैनल को प्रमोट किया था उन लोगों, और उन लोग खुद भी इस कंपनी के शेयर में होल्डिंग किया था, और खबर दिया था कि फॉक्स स्टार बोल के जो यूएस का बड़ा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उनके साथ इसका टाई अप हुआ, बस ये खबर लीक किया था, और खबर लीक करते ही हाँ फेक न्यूज था, ठीक है। अब क्योंकि यूट्यूबर है, फॉलोअर है, लोगों को लग रहा है देखो ये अच्छा होगा, अब फेक फॉलोअर भी तो काफी होते हैं, फेक न्यूज देखने वाले भी बहुत है, सच्चाई सुनने के लिए बहुत कम लोग मिलेगा आपको, ठीक है। आप झूठ झाट बताओ आपको बहुत लोग सुनेगा, आप सच्चाई बताओ दो लोग भी सुनने आएंगे कि नहीं फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, लेकिन आप इसका हालत देखो, सेबी इसको बैन किया है, कंपनी के ऊपर भी फाइन किया है, इसका शेयर का ग्रोथ देखो आप फेक न्यूज के कारण, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी देखो, इसका एक शेयर का दाम कितना बता रहा है अभी, 5 टका का चल रहा है, ठीक है। ये देखो सर, ये इसका 10 टका चल रहा था, 10 टका से शेयर बढ़ के अप्रोक्स 30 रुपीज समथिंग हो गया था। ये देखो सर, ये सब फेक न्यूज का मतलब करामती था, 10 टका का शेयर 30 रुपीज में चला गया था, 30 रुपीज, ठीक है। तो 10 का शेयर 30 रुपीज, वो भी विद इन 1 मंथ, व्यापक रिटर्न है ना सर, हाई रिटर्न। लेकिन अब जो लोग यहाँ पर शेयर खरीदा था, उसके बाद जब मार्केट में खबर मिला कि ये कंपनी का शेयर को देखो, और जिस टाइम पे खबर लीक हुआ कि ये कंपनी में ये आया है वो आया है, फिर जैसे ही शेयर का दाम बढ़ गया, ये एक ना पूरा सोची समझी चाल होता है। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी होल्ड करके रखा था, सिंपल बात को समझो, पहले लोग ने बाई किया, जो कंपनी का प्रोमोटर है वो भी बाई किया, कुछ साथी जुड़ा हुआ लोग हैं वो भी बाई किया। अब बाई करते करते 5 का शेयर 30 तक पहुंचा, 10 का शेयर 30 तक पहुंचा। अब इनको सेल करके प्रॉफिट बुक करना है ना सर, तो अब मार्केट में खबर आएगा, और जैसे ही खबर आएगा, मूर्ख आदमी तो है ना बहुत सारे, वो अभी बाई करेगा। तो सेलर को सेल करने के लिए बायर चाहिए, सेलर को सेल करने के लिए बायर चाहिए। अब ये यहाँ पर देखो, ये जो गिरा है ना मार्केट, कैसे गिर गया, क्योंकि ये बायर सेलर लोग सेल किया, अब जो अभी मार्केट में ये लोग एंटर करना चाहा वो फंस गया, उसके बाद मार्केट में और कुछ था नहीं। अब इन लोगों का लॉस, फिर बाद में सेबी को पता चला कि ऐसा सिचुएशन हुआ है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुआ, फिर अरशद वारसी और उनके वाइफ और भी जो पोस्टर्स थे उनको पेनल्टी लगाया, 2 साल के लिए 1 साल के लिए स्टॉक मार्केट में बैंड किया, ठीक है। बाकी आप रिसर्च कर लेना मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो और भी है, मैं जस्ट एक आध एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि कंपनी मार्केट में होने से ही वो सारे कंपनी एकदम अच्छा, एकदम ऐसा नहीं है, काफी सारे लोग फेक काम करने के लिए भी बैठा हुआ है। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन फाइनेंशियल सर्विस बोल के एक कंपनी है, वो पहले एक एक जमाना था 1970s 1980s के टाइम पे, वो ये बेचता था ऑक्सीजन सिलेंडर बने, बेसिकली ये जो मेडिकल सेगमेंट में मेडिकल इक्विपमेंट्स और जरूरत का जो चीजें हैं वो बेचता था, बनाता भी था। तो कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन का सब खराब हालत हुआ था ना, हम लोग देखे हैं। अब वो जो ऑक्सीजन कंपनी था, उसका भी शेयर का नाम ऑक्सीजन ही है, मैं एग्जैक्टली मैं टाइप करूंगा शायद, देखो क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फार्मास्यूटिकल्स नहीं, बॉम्बे ऑक्सीजन, हाँ ये देखो बॉम्बे ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इसका हालत देखो आप, हालत देखो कितना भयंकर भयंकर स्टॉक होता है ये, देखो इसका इसका ट्रेडिंग पैटर्न देखो आप, आपको समझ में आएगा कि खुद ही खरीदते हैं खुद ही बेचते होंगे। इसका शेयर 1000 का शेयर 2000 में पहुंच गया था, 2020 में चलते हैं। ये देखो, ये देखो सर, ये वाला सिचुएशन देखो 2021 का, जब ऑक्सीजन का हालत खराब हुआ था, करीब 10,000 का शेयर का दाम है, ठीक है, और ये 20,000 में चला गया था, 25,000, वो भी विद इन 1 मंथ, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। तो एक 10,000 का शेयर 25,000 में कैसे पहुंच सकता है, वो भी 1 मंथ, क्या कारण है? लोगों को लगा था कुछ तो कंपनी का अपना लोग था, और बाकी कुछ लोगों को लगा था कि ऑक्सीजन बनाता है, और भर भर के शेयर खरीदा बिना जाने। अब जिनके पास होगा बहुत ब्लैक मनी कर लिया होगा, और शेयर का दाम बढ़ गया, और फिर जब मार्केट में खबर आया तो और भी लोग खरीदने चालू किया, और फिर देखो गिरा तो गिरा 25,000 से डायरेक्ट एकदम छलांग मार के फिर से 10,000। अब जिनका गया वो तो गया, लूट गया सर, बोलते ना हमें तो लूट लिया, और ऐसे गाना गाएगा हमें तो लूट लिया। तो ये सब शेयर से बच के रहना है सर, ये सब ट्रैप है, जो जिसका बिजनेस को नहीं समझना है उस बिजनेस में जाना ही नहीं, भले कितना भी आपको ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दिखे, ये ट्रैप से बचना, अपना पैसा कीमती है, ठीक है सर? नहीं तो आप बोलोगे सर कितना अच्छा अच्छा शेयर है आप तो बोलते ही नहीं हो, अरे बात अच्छा बुरा है कि पीछे का कहानी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 का शेयर 25 हो गया, आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हो, कहाँ एक 200 का शेयर 250 हो रहा है आप उसके पीछे भाग रहे हो, 200 का शेयर 250 हो उसी के पीछे भागो, लेकिन ऐसे 10,000 का शेयर 25,000 के पीछे है ना, इसके पीछे मत भागो, जेन्युइन बात कर रहा हूँ सर, ट्रैप से बच के रहना, नहीं तो ऐसा लूटेगा, ऐसा लूटेगा जिंदगी भर सिर्फ स्टॉक मार्केट को गाली देते रहोगे, कितना लोगों का घर उजड़ जाता है ये सब फालतू चीजों के चक्कर में, फिर मार्केट का नाम खराब करता है।
अरे भाई अच्छा चीज भी तो है, क्यों नहीं देखते? ठीक है, बात लालच का प्रॉब्लम है, मार्केट का बदनामी करते हैं। वही है, अपना लालच का प्रॉब्लम है, बदनामी मार्केट का करता है। सबको ज्ञान दे देगा, बांट देगा। मार्केट एकदम खतरनाक जगह है, सब लूट जाएगा। अरे भाई मार्केट क्या चीज है वो तो देखो, तो फिर गवर्नमेंट बैन नहीं कर देता अगर इतना ही बर्बादी जगह होता तो। देखो कोई भी एक जब इंस्टीट्यूशन चलता है, जब कोई भी एक चीज चलता है ना, तो उसमें अच्छा बुरा दोनों होता है। अब ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप अच्छाई के साथ जाओगे कि बुराई के साथ जाओगे। जैसे समाज है, समाज में अच्छाई भी है बुराई भी है। अब थोड़ी ना हर बुराई को खत्म किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। और बुराई भी रहना चाहिए, बुराई भी रहना चाहिए सीखने के लिए, और रहेगा। आप कुछ कर नहीं सकते, जितना भी बुराई है समाज में वो रहेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हर कोई बुराई के पीछे भाग रहा है, नहीं, वो ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। तो मार्केट में भी अच्छा बुरा दोनों रहता है, हम लोगों को अपने हिसाब से वो चीज समझना पड़ेगा। ये अपने सीख के ऊपर डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, उसमें दोनों पॉजिटिव साइड भी आप देख पाओगे, नेगेटिव भी देख पाओगे। अब चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ बात कर रहा हूँ, बहुत बेसिक बात है पर फिर भी काम का है। सीरियसली, अगर एक छोटा सा बेसिक इजी चीज भी आपको पैसा कमा के दे सकता है तो क्यों ना अप्लाई करें, है ना? नॉर्मली हम लोगों को लगता है पैसा कमाना टफ होता है, यस दैट्स ट्रू, बट कभी कभी ये इजी भी होता है। कभी कभी ना हम लोग जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, छोटा सा चीज कभी अप्लाई करेंगे तो काम बन जाता है, ठीक है, लेकिन कभी जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं तो कुछ ही नहीं होता। देखना आप कभी कभी ज्यादा सोचते रहते हो, कुछ हुआ ही नहीं। कभी देखना आप थोड़ा इजी सोचो, थोड़ा सिंपल रहो, देखना काम हो जाएगा। तो ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो इजी चीज है। स्टॉक मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी लाइव मार्केट में भी देख रहे हो। यहाँ पर बायर होते हैं, सेलर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इलेक्ट्रॉनिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेड करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि मैं बाई करना चाहता, मैं सेल करना चाहता। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो नंदन पीयूष आप लोग कनेक्टेड हो सर या चले गए? इजी चीज से सुन सर, के, इजी देख के आप लोगों का मन भर गया हो। है सर, अच्छा अच्छी, ठीक है। अच्छा अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा HDFC बैंक में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक से देखो स्क्रीन में सभी को। यहाँ पर आपको एक मार्केट डेप्थ नजर आ रहा हो, दिख रहा है? देखो ये बायर सेलर बटन है, उसके पास देखो एक मार्केट डेप्थ का बटन है ना। ये मार्केट डेप्थ में जैसे मैंने क्लिक किया, इसके नीचे आप देखो U20 डेप्थ दिख रहा है? देखते हो अच्छा ना बोलेंगे? देखो ये चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कर रहा है ना फ्लक्चुएट। कभी देखो 1513 करके, ये HDFC बैंक का शेयर का प्राइस है, ठीक है। शेयर का एक्चुअल प्राइस चल रहा है 1513.50, लेकिन चेंज हो रहा है, देखो मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, करेगा क्योंकि लाइव मार्केट है इसीलिए फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट चल रहा है, लाइव है ना मार्केट, अभी ट्रेड चल रहा है। ये भी ये बोला ना कि ट्रेडर इलेक्ट्रॉनिकली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है देखो, 1512 करके। अच्छा, जो बीड कर रहा है, माने बायर। बीडर कौन होता है? जो बायर बनना चाहता है, प्रोस्पेक्टिव बायर। और ऑफर कौन कर रहा है? प्रोस्पेक्टिव सेलर, माने वो खरीदना चाहता है, और बीडर बाई करना चाहता है। अच्छा क्या लगता क्या है कि जो बाई करेगा वो कम दाम में खरीदना चाहेगा, और जो सेल करेगा वो ज्यादा दाम में सेल करना चाहेगा, जो मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा दाम में, है ना सर? अब देखो थोड़ा सा स्क्रीन में देखो, जो दाम अभी चल रहा है, अब थोड़ा सा नजर डालो, देखना कि जो सेल करना चाहता है वो उससे थोड़ा ज्यादा दाम देना चाह रहा है। अब थोड़ा नजर डालो, आपको दिखेगा। अगर इधर 95 पैसा चल रहा है तो इधर देखना 1 टका हो गया होगा। ये 1512 चल रहा है तो इधर देखना 1513 हो जाएगा सेलर के साइड में, माने जो ऑफर कर रहा है। और उल्टा साइड में देखो, जो मार्केट में अभी चल रहा है उससे कम दाम में खरीदना चाहता है, या फिर एटलीस्ट उसी दाम पे खरीदना चाहता है मार्केट प्राइस। और कितना खरीदना चाहता है वो क्वांटिटी भी मेंशन कर रहा है, देखो 23, 62, 100, 767, 794, 192। अब खेल क्या है जानते हो इसमें? अब ये जो लोग ट्रेडर है ना, ये ट्रेडर अपना ऑर्डर जनरेट कर रहा है। ऑर्डर जनरेट करके अपना ऑर्डर जैसे ही मार्केट में प्लेस कर रहा है, उसके बेसिस में ये शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। तो प्योर डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स समझते हो थोड़ा बहुत? अरे हर कोई समझता है, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई कॉमर्स पढ़ के और इकोनॉमिक्स पढ़ के आएगा।
एक सब्जी वाले को जाके पूछो कि आज का मार्केट क्या है। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, अभी देखना थोड़ा सा प्राइस स्काई रॉकेटिंग हो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, पूजा के कारण नॉर्मल कंजम्पशन से हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो जो लोग पहले खाना खाता नहीं था, लाइक ये जो ठेला वाला, ये जो अलग अलग स्टॉल, ये तो एक्स्ट्रा परचेस करेगा, लेकिन मानो मार्केट में सप्लाई उतना ही है। ठीक है, ऊपर से दो तीन काम करता है। एक, पहले से ज़्यादा मार्केट में खाने का स्टॉल बनेगा। सेकेंड थिंग, सब्जी वाले लोग भी सोचेगा कि पूजा का टाइम है, अब वो बोनस मांगेगा तो कोई देगा नहीं, इसलिए पूरा कम्युनिटी मिलके बोल देगा कि हर चीज़ पे 10 टका 20 टका बढ़ा के बोल दो। वो सियालदह से ही हो जाएगा। सियालदह क्या है सर? सियालदह इज ए होलसेल मार्केट, जहाँ से सब्जी पूरा कोलकाता में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मार्केट का नाम है कोले मार्केट। पूरा ट्रक वगैरह वहाँ पर खाली होता है, बहु बाजार बोल के एरिया है। ठीक है, वो वहीं से सारा का सारा मार्केट में जाता है। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि कब सब्जी का दाम ज्यादा होगा, कब सब्जी का दाम कम होगा, इट्स प्योरली डिमांड सप्लाई का। यहाँ पर भी जो जो HDFC बैंक का शेयर में आप देख रहे हो ना कि 1513.75 से ये स्टॉक का दाम आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, ये पूरा डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है। और ये डिमांड सप्लाई देखो ना, बीडर और ऑफरर से ही डिपेंड कर रहा है कि जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, ये क्या मार्केट में ऑफर कर रहा है वही मार्केट में डिनोट कर रहा है। अब अगर तुम ये 20 डेप्थ को भी समझ जाते हो ना, मैं आज इसके ऊपर और भी आगे आगे बताऊंगा, ये तो जस्ट अभी आइडिया दे रहा हूँ कि मार्केट बात करता है, बायर सेलर के साथ बात कर रहा है। अच्छा, कौन बायर है कौन सेलर है ये आपके लिए मायने नहीं रखता, ये BSE NSE देखेगा और आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म देखेगा। जैसे मैं अभी जीरोधा से दिखा रहा हूँ, कोई अपस्टॉक्स कर रहा है, कोई ग्रो से कर रहा है, कोई मोतीलाल ओसवाल से कर रहा है, जिसका जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। ब्रोकर का काम है आपको एक्सचेंज से मीट कराना, एक्सचेंज का काम है बायर को सेलर से मिलाना, सेलर को बायर से मिलाना, जो हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो ब्रोकर हमें दिखा रहा है ना, ये एक्चुअली एक्सचेंज से डायरेक्टली ब्रोकर हमें दिखा रहा है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर में या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर में दिख रहा है। एक्चुअली सारा ऑर्डर यहीं पर जमा होता है इलेक्ट्रॉनिकली। हम ही लोग ऐसे हैं, हम लोग जैसे ही लोग हैं जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बड़े बड़े अमाउंट लेके बैठा हुआ है, ट्रेड कर रहा है सारा दिन। कोई लॉस करेगा, कोई लाभ करेगा, लेकिन इसी से डिपेंड करता है मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएशन, हर स्टॉक में होता रहता है। जिसमें जितना ज्यादा होता, आप समझ लेना वो स्टॉक में उतना अच्छा सुंदर प्राइस बेस बनता है, लिक्विडिटी बनता है। ठीक है सर, आगे आगे और बोलूंगा सर, ये तो अभी जस्ट क्या बोलेंगे आपको, पार्टी शुरू हुआ है सर, बोलते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो हनी सिंह का एक गाना है ना सर। हाँ सर, आप हर चीज सुनते हो। हाँ सर, मैं हर चीज सुनता हूँ, मैं भगवान का गाना भी सुनता हूँ और हनी सिंह भी सुन लेता हूँ। अच्छा देखो सर, यहाँ पे देखो मार्केट कितने दाम पे ओपन हुआ है, मार्केट हाई कितने में गया है। ठीक है, ये कौन सा स्टॉक है? अच्छा, बॉम्बे ऑक्सीजन का है। ठीक है, अच्छा ये देखो सर, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कितना है। ठीक है, टोटल बाई क्वांटिटी कितना है, वॉल्यूम कितना रहा, वॉल्यूम इज वेरी लो हियर बॉम्बे, बॉम्बे में वॉल्यूम देखो, आगे सिखाऊंगा ये वॉल्यूम का इम्पैक्ट। मैं आपको दूसरा स्टॉक ओपन करके दिखाता हूँ, ये बॉम्बे में वॉल्यूम देखा ना आपने, मैंने बायर और सेलर का ओवरऑल सिचुएशन है, 10 इसमें क्या ट्रेड लेना, ये ट्रेड नहीं भी ना कि पीयूष बोलेंगे सर, बायर सेलर वॉल्यूम क्या होता है पीयूष बोलो। ভলিউম হচ্ছে ডেলি বেসিসে যে যতগুলো কন্ট্রাক্ট বাই হয় এবং সেল হয় এইটাই তো ডেলি ভলিউম। ডেলি বেসিস মে জিতনা কন্ট্রাক্ট বাই অর সেল হো রাহা হ্যায় উসকো কমপ্লিট ওয়ে মে ভলিউম কেতে হ্যায়, টোটাল বাই সেল মিলা কে ভলিউম হোতা হ্যায়, মানে মানো 10 বাই 10 সেল তো ভলিউম 10। हाँ सर, और वही अपडेट होता है। आप देखो ये बॉम्बे ऑक्सीजन में दिखाया, ये बॉम्बे ऑक्सीजन में दिखाया, इसका वॉल्यूम क्या है? 10 है। ठीक है, ऐसे स्टॉक से मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ बच के रहने, क्योंकि आप खरीद तो लेंगे फिर बेचने के लिए पैसा नहीं मिलेगा आपको, मतलब खरीदार नहीं मिलेगा। अब आप इधर देखो, मैं आपको HDFC में दिखा रहा हूँ, HDFC का वॉल्यूम देखो आप, इतना लिक्विड स्टॉक है, देखो वॉल्यूम देखो कितना है, 49,93,284, इतना बाइंग सेलिंग हुआ है आज, 5+10 मिलके होता है वॉल्यूम, तो जब पर डे डे के हिसाब से होता है, पर डे का बाइंग सेलिंग उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो जिसमें वॉल्यूम आपको ठीक लगे वो ट्रेड के लिए सही है। अच्छा, अब ये वॉल्यूम से भी हम लोग आगे सीखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ना गिरना शेयर के दाम पे कैसे इंपैक्ट करता है, वो फर्दर डिस्कशन है सर। उसके ऊपर एक सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर एक चैप्टर होता है। ठीक है, अमलेंद्र किसी बुझते पाचन तो। हाँ ठीक है, अब आगे आगे बताऊंगा सर।
तो मैं जस्ट आपको अभी बेसिक में बता रहा हूँ कि मार्केट आपसे बात करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, बायर सेलर इलेक्ट्रॉनिकली एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। कंसिडर द करेंट सिचुएशन ऑफ इन्फोसिस, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। जब ये नोट लिखा जा रहा था ऑथर के थ्रू से, इन्फोसिस फेसेस ए मैनेजमेंट सक्सेशन इशू, इन्फोसिस फेस कर रहा है मैनेजमेंट का सक्सेशन इशू। सक्सेशन माने अभी मैनेजमेंट में माना कोई सीईओ है, कल कोई और सीईओ होने वाला है, ठीक है। माने अभी जो है, माने अभी मिस्टर चड्डा है, कल मिस्टर मुखर्जी आएगा, ठीक है। तो मिस्टर चड्डा बेहतर है कि मिस्टर मुखर्जी बेहतर है, ठीक है। जैसे इन्फोसिस के मुझे याद आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा काम किया था नारायण मूर्ति सर, तो ओनर है सर नारायण मूर्ति एंड आपका उनका वाइफ तो था, लेकिन जो जिन्होंने आधार बनाया उनका नाम क्या है? हाँ बोल। नंदन नीलकंठ जिन्होंने आधार बनाया, आधार कार्ड का जो टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उन्होंने ही डेवलप किया। और नारायण मूर्ति सर का तो पूरा इप्रो का सॉरी इन्फोसिस का कॉन्सेप्ट ही नारायण मूर्ति सर का है। उनका वाइफ बेसिकली ऑथर लिखते हैं, सुधा मूर्ति, गजब लिखते हैं सीरियसली। काफी उनका टीचिंग्स भी बहुत ही अलग है, टीचर भी है अभी रिटायर्ड ऑब्वियसली। तो अभी इन्फोसिस का विशाल सिक्का बोल के एक सीईओ थे, मैं पुराना ज्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ। देखो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कौन बिजनेस को मैनेज करता है ये कितना मायने रखता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इन्फोसिस के बारे में दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मैं इन्फोसिस दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी इन्फोसिस के बारे में ही आपके साथ बात करना चाहता, ये जस्ट फॉर दी लर्निंग पर्पस। बाकी स्टॉक लेना है नहीं लेना है वो अलग मुद्दा है, मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में, इन्फी या इन्फोसिस, ठीक है। लेकिन एक मैनेजमेंट इश्यूज कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इन्फोसिस का फाउंडर मेंबर कौन है, ये बहुत पुराना कंपनी है, 1980 से चल रहा है और अभी आईटी जायंट में से एक है टीसीएस एंड इन्फोसिस, ठीक है। इसका नारायण मूर्ति सर इनका फाउंडर है, नाना नीलकनी फाउंडर मेंबर और भी फाउंडर मेंबर दिख रहा है, बट फाउंडर मेंबर अभी मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सन, ये लोग अभी मैनेजमेंट को नहीं देखता, ठीक है। शेयर होल्डर में है पर मैनेजमेंट में नहीं है। कौन चला रहा है कंपनी को, सीईओ कहाँ है, सीईओ का डिटेल्स ये रहा, सलील पारेख दिख रहा है, देखो इज द करेंट सीईओ इंफोसिस का, इनसे पहले था विशाल सिक्का जिनके बारे में बोल रहा हूँ। अब आपको रियल चीज बता रहा हूँ, ये 2018-19 का बात है सर, जब विशाल सिक्का को हटा के सलील पारेख को रखा गया। सलील पारेख इनका भी बैकग्राउंड गजब है सर, विशाल सिक्का फिर भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, विशाल सिक्का एरोनॉटिकल साइंस बैकग्राउंड से। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहे हो, बोलो सर। ऐसा बोलिए, सलील पारेख अकॉन हाईएस्ट पेड सीईओ माने आईटी सेक्टर है, हाँ हाईएस्ट पेड सीईओ इन इंडिया करेंटली, सलील पारेख इंडिया का हाईएस्ट पेड सीईओ है। आप समझ सकते हो कि क्या दिमाग है इनका, ठीक है। अब आपको मैं विशाल सिक्का का भी दिखा देता हूँ कि एक मैनेजमेंट चेंज होना क्या इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस। अब देखो जस्ट वॉच करो, मैं आपको समझा देता हूँ सर। करेंटली ये कहाँ है, ये देखो लिखा होगा इन्फोसिस में रहा होगा, ये लिखा होगा, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी ये है सर SAP में भी काम किया, फॉर्मर सीईओ ऑफ इन्फोसिस करेंटली, एंड सर ओरेकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी ओरेकल में, ओरेकल है ना सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है उसमें है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट विशाल सिक्का भी नो डाउट एक काफी पॉपुलर इंसान थे और नॉलेज वाइज भी, लेकिन सलील पारेख भी एक अलग ही पॉपुलर थे। तो विशाल सिक्का को विशाल सिक्का के टाइम पे इन्फोसिस काफी ग्रो किया था, बिजनेस प्रॉफिट भी कर रहा था, लेकिन नारायण मूर्ति इनको बड़ा पिंग करता था कि आप बहुत जरूरत से ज्यादा सैलरी उठाते हो, ठीक है आपका सैलरी कम करो, और ये बहुत ज्यादा तो बेसिकली प्यार भी करता था। नारायण मूर्ति खुद विशाल सिक्का को चूज करके लाया था, लेकिन बाद में नारायण मूर्ति सर के साथ इनका थोड़ा सा अनबन चलता है। अब नारायण मूर्ति सर मैनेजमेंट में तो नहीं है, लेकिन आप सोचो कि जो फाउंडर है और इतना बड़ा शेयर होल्डर है, ये अगर आपको कुछ बोलता रहता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, और उसके कारण इन्फोसिस का शेयर में भी थोड़ा सा डिग्रोथ दिखा था, ठीक है। और विशाल सिक्का का मानना था कि इतना नहीं सुनना है मुझे किसी का, तो फिर वो रिजाइन कर दे। तो बात अल्टीमेटली एक सॉफ्ट नोट में ही खत्म हुआ, लेकिन तब सलील पारेख को लाया जा रहा था, विशाल सिक्का चल रहा था और सलील पारेख बदले में आ रहा था। अब इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट चेंज हो रहा है और इतना बड़ा आईटी जायंट है, तो लोगों को चिंता हो रहा था
कि क्या होगा क्या होगा। तो इस बीच में शेयर का दाम 1400 से गिर के 900 1200 1100 1000 के तरफ चला रहा था, मुझे जो याद है वही मैं बता रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण था, फिर सलील पारिक का बिजनेस एबिलिटी को लेकर थोड़ा सा चिंता था, क्योंकि लोगों को तो नॉलेज नहीं है ना इतना, कंपनी को नॉलेज है, कंपनी ला रहा है, लेकिन कंपनी को भरोसा नहीं हो रहा कि क्या पता नया मैनेजमेंट कंपनी को कहाँ लेके जाएगा, तो शेयर का दाम पे आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में या तो पुराना शेयर था तो शेयर सेल करके निकल जाओ, न्यू पोजीशन ले लो, या फिर शॉर्ट सेल करो। काफ़ी सारा मौका होता है मार्केट में, शॉर्ट सेलिंग माने अभी सेल करो बाद में बाई कर लेना। ठीक है सर, कैसे करेंगे सब सिखाऊंगा सर, लेकिन मार्केट में शेयर फ्लक्चुएट क्यों होता है इसी का एक एग्जाम्पल था कि सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट चेंज के कारण, मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल है उसके चेंज के कारण, क्योंकि टॉप लेवल को ही ना लोग देखते हैं, थोड़ी ना पार्टी के नीचे कौन है वो देखता है, मोदी को देख के वोट देते हैं, ममता को देख के वोट देता है। ठीक है, ममता के पार्टी में और कौन कौन है इतना थोड़ी ना लोग देखता है, हाँ मोदी के पार्टी में कौन कौन है इतना थोड़ी ना लोग देखता है, पसंद मोदी वर्सेस ममता ही है ना। इसी तरह से कंपनी कौन चला रहे, मैनेजमेंट में कौन है, कितना और भी लोग है, उनको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लीडर कौन है इम्पैक्ट करता। द लीडरशिप वैक्यूम इज वेफिंग डाउन द कंपनीज रेपुटेशन हैवीली, और इसके कारण शेयर का दाम 3500 से गिर के 3000 में आ गया, 500 पर शेयर में डाउनफॉल, जस्ट बिकॉज इस क्या होगा इसी चक्कर में। ना तो बिजनेस में कुछ रियल इम्पैक्ट पड़ा है सर, बिजनेस अपने जगह में है, लेकिन शेयर गिर रहा है, परसेप्शन। तो यहां पर मानो दो ट्रेडर है, एक ए है एक बी है, एज व्यू ऑन इंफोसिस द स्टॉक प्राइस विल लाइकली टू गो डाउन फर्दर बिकॉज द कंपनी विल फाइंड इट चैलेंजिंग टू फाइंड अ न्यू सीईओ। ए को लग रहा है देखो सर, पूरा स्टॉक मार्केट परसेप्शन का खेला है आपको मैं अभी दिखाया, मार्केट कैसे इलेक्ट्रॉनिकली बात करता है, परसेप्शन। जिसका परसेप्शन हाई रहेगा, जितना सटीक रहेगा वो जीतेगा, जिसका परसेप्शन गलत रहेगा वो हारेगा, पूरा क्रिकेट की तरह। आपको लग रहा है कि मैं छक्का लगा सकता हूँ, तो कभी कभी ना ऐसे बॉल में भी बैट्समैन छक्का लगा देते हैं जो छक्का लगाने लायक है ही नहीं, लेकिन आपका परसेप्शन इतना सटीक था कि मैं लगा सकता हूँ तो छक्का लगेगा। लेकिन अगर आपको मन में आप पहले ही बिठा लो ना कि नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, तो बोलते हैं ना कि जब आप मन में बिठा लो कि हो नहीं सकता, तो अगर ऊपर से स्वर्ग से कोई आ भी जाए ना, आपका दादा परदादा या उसका भी दादा परदादा, आपको आके बोले कि हाँ होगा, फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन पहले से ही नेगेटिव है। तो जो भी हो, अब ए ने तो सोच लिया, अच्छा हो सकता है कि ये सही निकले, ए ने सोच लिया कि इंफोसिस न्यू सीईओ फाइंड आउट करने में चैलेंज फेस करेगा। इफ ए ट्रेड्स फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड बी अ सेलर, वो क्या करेगा, इंफोसिस को 3500 में सेल करेगा। सर सेल करेगा माने, अगर पहले से दो तारा से सेल हो सकता है, या तो पहले से उसका होल्डिंग था, सेल करके जितना प्रॉफिट हो रहा है बुक करके निकल जाओ, या फिर न्यू पोजीशन ले लो। न्यू पोजीशन में क्या होता है, 3500 में सेल करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक वैक्यूम क्रिएट होगा, ये शेयर 3500 से गिर के 3300 में जाएगा, तो जब 3300 में जाएगा ठीक है आप बाई कर देना, 3300 में आप वापस बाई कर देना, तो क्या होगा, आपका 200 पर शेयर में प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत केस में हुआ है, रिसेंटली अदानी में हुआ है, पेटीएम में हुआ है, और डे टू डे बेसिस में ऐसा छोटा छोटा चीज चलता रहता है। मैं आपको बड़ा एग्जांपल देने के लिए अदानी का नाम लिया, पेटीएम का नाम लिया, लेकिन इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल करना। मैं आपको आगे जाके शॉर्ट सेलिंग सिखाऊंगा। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि आपको तब स्टॉक में पोजिशन लेना चाहिए, वो भी पहले सेलर बनना, माने आपको पहले से ये परसेप्शन आ गया कि मार्केट गिरने वाला है, और आपका परसेप्शन सही निकला। जैसे कि अगर ए का परसेप्शन सही निकलता है, वो क्या करेगा, शॉर्ट सेल करेगा, वो पहले सेलर बनेगा बाद में बायर बनेगा। इसमें दो पॉइंट है, ये चीज आप इंट्राडे में कर सकते हो, इंट्राडे माने उसी दिन खरीद के उसी दिन बेचना, उसको इंट्राडे कहते हैं, एक ही दिन के अंदर पोजिशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, 3500 में शेयर को सेल करके, कुछ नहीं करना है सर, एक्चुअल मार्केट में क्या होता है, काम बहुत आसान है। देखो मार्केट, देखो स्क्रीन में देखो, काम बहुत आसान है, खेल तो सर समझने का है, पूरा खेल जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग का है, बाइंग सेलिंग में कुछ नहीं रखा। ये देखो इंफोसिस का मैं ओपन कर देता हूँ, मुझे अगर लगता है कि इंफोसिस का शेयर मुझे सेल करना चाहिए,
ठीक है, समझ रहे हो सर? मैं यहाँ पर सेल बटन में क्लिक करूंगा, दिख रहा है सर? फिर यहाँ पर देखो क्वांटिटी दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, ठीक है? तो मैं जस्ट इस दाम पे सेल करूंगा। यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म है और यहाँ पर देखो इंट्राडे है, दिख रहा है ना रिया आपको? दिख रहा है? तो अगर मैं इंट्राडे करूंगा, अगर मैं इंट्राडे करूंगा तो मैं वो शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। मैंने आज सेल करके, मानो 1432 में मैंने सेल कर दिया, 1432 में मैंने सेल कर दिया और मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है। अच्छा, ये लग रहा ना मनी मन में नहीं होता, मैंने आग बंद करके नहीं, मार्केट में कुछ ऐसे इम्पैक्ट है जिसके कारण शेयर गिर सकता है। मे भी जैसे मैनेजमेंट इश्यूज, तो एक ईजी कॉन्सेप्ट था कि मैनेजमेंट में भरोसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, मार्केट गिर सकता है। और उसका इम्पैक्ट आपको कैंडल में दिखेगा, उसका इम्पैक्ट आपको कैंडल में दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये कैंडल दिख रहा है ना सर? ये कैंडल में आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। अभी तो ऐसा कोई कारण नहीं है, ठीक है, प्रॉपर कैंडल ऐसा कुछ बना भी नहीं है। तो जब प्रॉपर कैंडल दिखेगा, मैं जब सिखाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि मैनेजमेंट इम्पैक्ट कैंडल में दिखता है। और जब आपको मैनेजमेंट इम्पैक्ट कैंडल में दिखेगा तो उस कैंडल को पढ़ के आप मार्केट में पोजिशन ले सकते हो। पोजिशन लेना मैंने सेलर बन सकते हैं, फिर जब सेम डे के अंदर आप बायर बन के स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट करके निकल जाओ। जैसे ऐसे रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, मुझे याद है, मुझे काफ़ी बोला था, वो सब शेयर किया था मुझे, सर काफ़ी इनकम किया शॉर्ट सेल करके। कब किया था? रिसेंटली अदानी में किया था, 5-6 महीने, 2-3 महीने पहले। अदानी कब हुआ था रे पीयूष? हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कब आया था? कब इस हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था? जून फोन, फेब्रुवरी के आसपास। देखो सर, काफी दिनों से ना मार्केट में थोड़ा सा मौका बन रहा था कि अदानी में कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऑलरेडी केस हो चुका है। ये देखो मार्केट थमसा गया था, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, दोजी बोलते हैं, ठीक है, छोटा छोटा कैंडल जो मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट करता है। इंडिसीजन समझते हो? डिसीजन नहीं ले पा रहा है मार्केट, वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है, बायर बनेगी सेलर बने, डोंट नो, कंफ्यूज्ड। तो जब कंफ्यूज्ड होता है ना मार्केट, तो मार्केट को समझ में नहीं आता वो किधर जाए, बुल हो माने आगे बढ़े कि नीचे जाए। तो इसी बीच में हिंडनबर्ग बोल के एक अमेरिकन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो अदानी के बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट मार्केट में पब्लिश कर दिया था। तो मार्केट का क्या है ना सर, अगर अगर पुलिस आके अभी मेरे को उठा के लेके जाए, तो आप ये ना थोड़ी ना सोचोगे कि सर अच्छा है कि बुरा है, एनालिसिस करने थोड़ी ना बैठोगे। पुलिस उठा के लेके जा रहे हैं, मैंने सर खराबी है, नहीं तो पुलिस क्यों आएगा? बात समझे कि नहीं? तो सेम टू सेम मार्केट में भी होता है। अगर मार्केट में किसी कंपनी के बारे में कोई खराब रिपोर्ट छप जाता है, मार्केट में जो पब्लिक है ना, इसका दिमाग वही पुलिस की तरह ही है, पब्लिक की तरह ही है। ठीक है, दूसरे में लगा दो, ठीक है। तो वो क्या हुआ सर, धीरे धीरे लोग जिसके पास जितना भी अदानी का शेयर था वो सेल करना चालू किया। अब आपके पास अदानी था नहीं मानो, ठीक है, आप होल्डर नहीं थे, ठीक है, अगर होल्डर है तो सेल करके निकल जाओ भाई, कहाँ से गिरा है देखो शेयर, 3400 से शेयर गिर के 1500 में आया था, वो भी 3-4 दिन में डबल गिरा था पूरा, 3,3400 से 1500, अभी 1853 चल गया, 1853। अभी सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आने वाला है ना, उसके चलते मार्केट अभी भी कंफ्यूज है। लेकिन जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ अदानी में फिर से बायर होगा, ये फिर से 3000। हाँ, अदानी एंटरप्राइज, बस वेट करो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट का। रिपोर्ट से पहले अगर आप भाप लेते हो ना तो सस्ता में मिलेगा, रिपोर्ट आने के बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा। 1800 का शेयर अगर एक ही दिन में 3000 ना पहुंच जाए तो क्या नाम है, पब्लिक है सर, जल्दी क्षमा भी कर देते हैं, जल्दी आपके आपके ऊपर थूक भी देता है, ये पब्लिक है, कुछ कर नहीं सकते। और अभी इंडियन पब्लिक, अमेरिकन पब्लिक का बात अलग है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया है, छोटा-छोटा है, बड़ा-बड़ा अभी करंट में देखा नहीं है, एक मिनट देखता हूँ सर। बात अगर सेफ्टी का हो ना, ये एक्चुअली समझने का है, अगर आप नया हो तो इंट्राडे ना करो, ना करो पहले, कम से कम पहला 5-6 महीना आप इंट्राडे में ना ही आओ तो अच्छा है। आप थोड़ा सा 15-20 दिन के बाद पोजीशन लेके करो, उसको पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर,
अगर किसी को समझ आ जाता है, अगर आप मुझे नॉर्मली पूछो कि एज ए टीचर मैं सजेस्ट जब करता हूँ तो क्या करता हूँ, अब मैं यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप नया हो तो इंट्राडे मत करो अभी, क्योंकि इंट्राडे में आप स्टॉक का पोजीशन समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन 10-15 दिन आपके पास रहेगा तो समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में बता रहा था, तो आप सेलर बनोगे तो यहाँ पर आप सेल कर दो इस पॉइंट पे। अच्छा कम से कम अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो कम से कम जब यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ना एक इसको ना इस कैंडल को बोलते हैं हरामी कैंडल बोलते हैं। सर हरामी माने हिंदी का हरामी नहीं है, जापानीज हरामी है। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वोमेन, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना, हम सभी को ही माँ के पेट से आए हैं। तो देखो एक बड़ा कैंडल एक छोटा बच्चा को जैसे पेट में धारण किया है, दिख नहीं रहा है सर? हाँ ये कैंडल कैंडल स्टिक्स ना एक्चुअली हमें ये सिखाते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट में कंफ्यूजन हो, साथ में नेगेटिव रिपोर्ट भी हो, ये गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और ये जो माँ के पेट में एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, माँ के पेट में एक छोटा सा बच्चा, ये थोड़ा सा मार्केट में कोशिश कर रहा था उसको रोकने का, बट रुका नहीं, इसलिए छोटा सा बना है। इसके बाद देखो धीरे 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 एटलीस्ट आप यहाँ पर सेलर बनो इस पॉइंट पे, मैंने जब मार्केट एटलीस्ट 2750 समथिंग चल रहा था, तो भी अगर आप 2750 में सेल करते तो भी आपके पास एटलीस्ट मौका है कि आप कम से कम 2000 में बाई कर सकते हो, तो भी 700 समथिंग आपको मिला होगा। আপনি ধরতে পারবেন যখন মার্কেটটা পড়েছে, পড়ার পর এখানটা একটা হারামি তৈরি হয়েছে, মানে মার্কেট এবারে পড়ার চান্সই বেশি, जो बीच में है ना, ये बेसिकली एवरेज पॉइंट को बताते हैं, ठीक है, कि मार्केट कितना ऊपर नीचे है इसके ऊपर। तो ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे ना बताऊंगा कि और भी चीजें, कैंडल तो अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। एक्चुअली जब मार्केट बहुत भयंकर तरीके से गिरता है तो कैंडल भी समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा सर। अभी जस्ट मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर एक बुलिश हरामी बन रहा था, बट बुलिश हरामी तो काम ही नहीं किया, मतलब हिसाब बोलता है कि यहाँ पर मार्केट को वापस बढ़ना चाहिए था, पर बढ़ा नहीं, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव इम्पैक्ट काम कर रहा है, रिपोर्ट नेगेटिवली काम कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप सेलर बन सकते हो। एक्चुअली अभी मैं कैंडल वाइज बात ही नहीं किया, अभी मैं आपको मैनेजमेंट रिपोर्ट वाइज बात किया। जब मैनेजमेंट रिपोर्ट सामने है तो कैंडल का क्या, कैंडल क्या करेगा तब, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो खराब हालत में है, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है, तब कैंडल का क्या देखोगे आप? तब अगर पहले से है तो छोड़ के निकलो, या फिर अगर शॉर्ट सेल का टेक्निक आता है तो शॉर्ट सेल करो, और वो कैसे आएगा वो मैं आपको धीरे धीरे बिल्डअप करूंगा। पीयूष नंदन, आप लोगों को समझ में आया ना सर? हाँ सर, हाँ सर, सर ये सब तो हम लोग जानते हैं, यही ना, ठीक है सर। अच्छा तो यहाँ पर देखो सर, एक ए था और एक बी था, तो ए का मानना था कि मार्केट गिरेगा, हाउएवर बी का व्यू है सेम सिचुएशंस में, वही सिचुएशंस में बी सोच रहा है कि नहीं मार्केट एक अच्छा लीडर मिलेगा मार्केट को, इसलिए इंफोसिस में वो बायर बनी, माने सलील पारेख में उसका भरसा हो गया, वो सलील पारेख का बैकग्राउंड पढ़ लिया होगा, ठीक है, इंफोसिस का मैनेजमेंट का सिचुएशंस पढ़ लिया होगा, उसको लग रहा है नहीं मार्केट अच्छा जाए। अब ये परसेप्शन सब्जेक्टिव है सर, आपका परसेप्शन मेरा परसेप्शन एक होगा जरूरी नहीं है, डिफरेंट ओपिनियन मेक्स द मार्केट, इसलिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचने बैठता है और कोई खरीदने जाता है। अगर सभी को लगेगा कि हम बेचेंगे तो फिर खरीदेगा कौन? अब आप बोलोगे कि सर नहीं सब बेचने चलते हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये जो डिफरेंट ओपिनियन है ना, ये मार्केट को ऑटोमेटिक फॉर्म करता है, इसमें ना तो आपका जोर है ना तो मेरा जोर है, शायद ऊपर वाला का जोर है, पता नहीं, क्योंकि देखो ना कोई पढ़ा रहा है तो कोई पढ़ रहा है ना, तो कोई काम कर रहा है तो कोई काम करा रहा है, ये सिस्टम को तुम कैसे चेंज करोगे? ये ऑटोमेटिक एक मार्केट डिमांड सप्लाई में चलता रहेगा,
तो इसलिए यहाँ पर बी का मानना है कि मार्केट में ग्रो होने वाला है, क्योंकि वो सलील पारेख में भरोसा कर रहा है। उसका मानना है कि विशाल सिंह का अच्छा किया होगा, लेकिन सलील पारेख और अच्छा करेगा, तो बी बाई करेगा, ए सेल करेगा। सो 3000 में दोनों का हिसाब देखो, 3000 जब दाम है तब ए सेलर और बी बायर इन्फोसिस का, ठीक है? तो एक को तो बायर बनना ही है, दूसरे का तो सेलर करना ही है, तभी तो मार्केट बनेगा सर। नाउ बोथ ए एंड बी प्लेस ऑर्डर टू सेल एंड बाय द स्टॉक। अब ऐसे यहाँ पर दो बंदा है, रियल मार्केट में लाखों बंदा होता है, ठीक है? रियल मार्केट में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, बाय सेल करने के लिए चालू हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा। तो अगर बायर बाय करेगा तो सेलर होना चाहिए, सेलर सेल करेगा तो बायर होना चाहिए। तो नाउ बोथ ए एंड बी प्लेस ऑर्डर टू सेल एंड बाय द स्टॉक रेस्पेक्टिवली थ्रू देयर रेस्पेक्टिव स्टॉक ब्रोकर्स। अब आप डायरेक्टली थोड़ी ना करोगे, ब्रोकर के थ्रू से करोगे। द स्टॉक ब्रोकर रूट्स इन टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, जाएगा माने क्या, फिजिकली थोड़ी जाएगा, वो सब वर्चुअल में इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज हैज टू इंश्योर दैट दीज टू ट्रेड ऑर्डर्स आर मैच्ड। जैसे मानो कि जो 3000 में बाई करना चाहता है और जो 3000 में सेल करना चाहता है वो मैचिंग करेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये जो मार्केट डेप्थ मैं आपको दिखा रहा था, ये जो मार्केट डेप्थ मैं आपको दिखा रहा था, ये जो मार्केट डेप्थ में ये जो चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट जब मैच करेगा ना तो एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कोई 790 में दो ऑर्डर किया ना 20 क्वांटिटी का, तो देखेगा कि 20 क्वांटिटी में 790 का और कौन सेल करना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? अब एक्सचेंज इजीली उसको सेटल करेगा, अगर नहीं मिलेगा ना तो वो एवरेज करेगा। जरूरी नहीं कि हर 20 शेयर आपको सेम दाम में मिल जाए, हो सकता इस तरह से, क्योंकि वो सेटलमेंट अगर मानो आप जितना ऑर्डर देखो, दो चार शेयर में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी में कोई ऑर्डर जनरेट करता है तो हाँ हो सकता है वो एवरेज करेगा, तब नेक्स्ट बेस्ट जो प्राइस है उसके साथ आपको ऐड करेगा। मानो सिंपल बात है कि कोई है जो बाई करना चाहता है 40 शेयर, ठीक है, दाम मेंशन कर रहा है, जैसे ये कौन सा शेयर है, अदानी पोर्ट का, मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ सर, 790.20 चल रहा है, ठीक है, अब वो बाई करना चाहते हैं मानो 790 में, ठीक है, हाँ ये लाइव चल, ठीक है, 790 अभी, 790 मानो अभी 40 शेयर वो खरीदना चाहता है। अब सेलर जो है वो 790 में बेचना चाहता है, शायद 20 क्वांटिटी का कोई है, 20 शेयर है जो 790 मैच कर रहा है, लेकिन बैलेंस 20 790 नहीं है, 791 है या 790.2250 है। तो पहला 40 के लिए तो आपको 790 के लिए 20 को मैच करा देगा, फिर सेकंड के लिए आपको एवरेज करेगा। अगर आपके फंड में पैसा है तो एवरेज करके आपको फिर बाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एवरेज को कम करना नहीं, अमाउंट को कम करना पड़ेगा। तो जब तक मार्केट बैलेंस नहीं होगा तब तक मार्केट एग्जीक्यूट नहीं होगा, माने बायर और सेलर मैच होना चाहिए ना। जैसे हम लोग जब अच्छा हमें देखे नहीं होगा सर डिटेल्स, अभी जस्ट मार्केट डेप्थ तक बोलो चलो, समझ में आ रहा है ना सर कि मार्केट किस तरह से काम करता है। अब जैसे बायर ऑर्डर जनरेट करेगा, सेलर बिड ऑफर करेगा, अब एक्सचेंज का काम है, मतलब ब्रोकर का काम है एक्सचेंज तक मैसेज को पहुंचाने का, क्योंकि हम लोग एज ए बायर या सेलर ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर इस बात को एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं, फिर एक्सचेंज उसको मैच कराते हैं, फिर मैच कराने के बाद अगर एग्जीक्यूट होगा तो करा देगा, नहीं होगा तो आपको मैसेज आएगा कि योर ऑर्डर कांट बी एग्जीक्यूटेड, मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन दे देगा आपको, ठीक है? तो इस तरह से मार्केट एक्चुअल में काम करता है। आप दोनों देख रहे हो, थ्योरेटिकली देख रहे हो और प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हो। तो स्टॉक मार्केट इज वेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन एक्सेस एनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 7000 कंपनी यू कैन इजीली चेक एंड ट्रेड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज लॉन्ग एज अदर पार्टिसिपेंट्स हैव एन ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। सही है ना बात, कि आप तभी ट्रेड कर सकते हो जब ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाला कोई हो। अगर ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाला कोई ना हो, जैसे कुछ स्टॉक में आपको दिखाया, ठीक है, जहां पर शायद बायर है पर सेलर नहीं है, या फिर सेलर है पर बायर नहीं है, तब थम जाएगा, ऐसे स्टॉक से बच कर रहना। व्हाट मूव्स द स्टॉक, बड़ा सवाल है ना सर कि सर डेली मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट चलता है इसका बेसिक रीजन क्या है? ऐसे रीजन बहुत सारा है बट बेसिक रीजन क्या है? चलो एक थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करते। इमेजिन यू आर ए मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रैकिंग इन्फोसिस। मानो आप एक ट्रेडर हो और इन्फोसिस को ट्रैक कर रहे हो, आप किसी को भी ट्रैक करो नो इशू, एग्जाम्पल में इन्फोसिस है,
सुबह का 10 बजा है, इन्फोसिस 3000 में चल रहा है, मैनेजमेंट ने प्रेस स्टेटमेंट दिया सुबह 10 बजे, मैनेजमेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया और वो न्यूज चैनल के थ्रू से आपके पास पहुंच रहा है दैट दे हैव फाउंड अ न्यू सीईओ एक्सपेक्टेड टू स्टीयर द कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स, ठीक है, और ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है इन्फोसिस मैनेजमेंट इन अ बिग चेंज, ठीक है, और वो खबर सीएनबीसी में, ठीक है, या फिर एनडीटीवी प्रॉफिट में, ये सब जगह में बड़ा बड़ा करके खबर आ रहा है। अब जैसे ही खबर आना चालू हुआ, कॉन्फिडेंट दैट अ न्यूली अपॉइंटेड सीईओ विल डू गुड थिंग्स फॉर द कंपनी, ऐसा करके रिपोर्ट आ रहा है। अब सवाल दो है, दो सवाल है ट्रेडर के लिए, दो सवाल है, हाउ विल द स्टॉक प्राइस ऑफ इन्फोसिस रिएक्ट टू दिस न्यूज, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ यू वेयर टू प्लेस अ ट्रेड ऑन इन्फोसिस व्हाट वुड इट बी, क्या होता, वुड इट बी बाय और सेल, मार्केट क्या इंपैक्ट करेगा, एंड सेकेंड थिंग, अगर मैं होता तो मैं बायर बनता कि सेलर बनता। तो बेसिकली तीन क्वेश्चन जनरेट हो गया, बेसिकली तीन क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि बायर और सेलर दो अलग अलग क्वेश्चन है कि मैं बायर बनूं कि सेलर बनूं। अब सिंपल बात है, अगर आप ए और बी जो थे हमारे एग्जाम्पल में, अगर आप ए होते तो सेलर होते, अगर आप बी होते तो बायर होते, परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अब खेल देखो सर, अब ये जो क्वेश्चन जनरेट हुआ, द न्यूज इज पॉजिटिव सो टू चेक द प्राइस विल इंक्रीज नॉर्मली, क्योंकि लीडरशिप में भरोसा जता रहा है मार्केट। जब वोट होता है सर, सिर्फ इन्फोसिस का मैटर नहीं है, जब वोट होता है देखना, तब हम लोग एक स्टॉक को नहीं देखते, तो पूरा निफ्टी देखते हैं। निफ्टी बने पूरा एनएसई का बेस्ट 50 स्टॉक सब बना हुआ, इकोनॉमी का एक ट्रेंड इंडेक्स बोलते हैं। जैसे ये देखो निफ्टी, निफ्टी अभी 19,599 चल रहा है ना, जो लोग मार्केट को ट्रैक करता है, जो मार्केट को ट्रैक करता है वो निफ्टी को ट्रैक करता है या फिर सेंसेक्स को ट्रैक करता है, क्योंकि ये ओवरऑल इकोनॉमी को दर्शाता है, इकोनॉमी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे मानो 2026 में, सॉरी 26 नहीं, इसी साल वोट है ना सर, 23-24 में, 2024 में लोकसभा वोट है, प्रधानमंत्री का फिर से चयन होगा, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री अगर यही वाला पीएम रहे या फिर चेंज हो, आपको क्या लगता है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि मार्केट को क्या पसंद है, कि यही वाला पीएम रहे, मार्केट माने ओवरऑल बिजनेस फ्रेटर्निटी क्या चाहते हैं, कि यही पीएम रहेगा कि पीएम चेंज हो जाए, क्या लगता है? अमलेंद्र आपने स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी तो मैंने 100% चाहिए था। अच्छा, पीयूष का मानना है कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसका मतलब पीएम रहे, मोदी जी रहे। वो सरकार चलेगा ही नहीं, तो मार्केट को कभी भी ऐसा सरकार पसंद नहीं हो, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर कोई ओपोनेंट ऐसा होता जो अपने दम पे बीजेपी को टक्कर दे सकता है, तो शायद मार्केट में भी डिफरेंट सोच सकता था। अगर मोदी जी से बेहतर लीडरशिप नजर आता, या फिर अगर बेहतर ना हो, इक्वल हो, पर शायद ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब कोई मोदी जी की तरह सोचे, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू तो होना चाहिए, जो एटलीस्ट मोर देन 50% लोगों को कैटर कर सकता है, बट ऐसा कोई लीडरशिप तो दिख नहीं रहा है। तो सिंपल बात है, मार्केट एकदम आग बंद करके चाहेगा कि मोदी जी आए, और अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है, मैं आपको बता दूं, निफ्टी जहां रहेगा वहां से कम 2-3 हजार पॉइंट उछलेगा। ये हर बार हुआ है सर, ये हर बार हुआ है। तो ये जो मार्केट का जो पसंद है, चाहे वो स्टॉक के ऊपर हो, चाहे वो ओवरऑल मार्केट के ऊपर हो, तो आप उस पर्टिकुलर डे में हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करना और देखना मार्केट में क्या हो रहा है, और आप पोजिशन भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने ट्रेडर बन सकते हो, बायर बन जाना। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 बजे जब विशाल सिक्का चला जा रहा है और सलील पारेख आ रहा है सर, 10 बजे ट्रेडेड हो रहा था 3000 में। सेलर चाहते हैं कि 3002 में सेल करें, बायर चाहते हैं, बायर क्या चाहेगा, 3002 में बाई करना पड़ेगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3000। देखो एक चीज देखो, 10 बजकर 1, 10 बजकर 3, 10 बजकर 5, 4 मिनट का टाइम फ्रेम दिया है सर। 3000 में लास्ट ट्रेडेड था, सेलर चाह रहे 3002 में सेल करें, क्योंकि उसको तो थोड़ा ज्यादा चाहिए ना। अब बायर को 3002 में ही लेना पड़ेगा। अब 3002 हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अब 10:01 में 3002 हो गया लास्ट ट्रेडेड। अब सेलर चाहते कि 3006 में, तो बायर भी 3006 में ही ना सेल बाई कर पाएगा,
एक्चुअली सेलर के चाहने से ही डिपेंड करता है कि बायर को कितने दाम पे मिलेगा। सिंपल बात है ना सर, हम लोग सब्जी बाजार सब्जी लेने जाते हैं, उसके पास अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, हम भले ही उसके साथ बार्गेन कर लें पर देगा मुझे उसको ही पड़ेगा ना जो वो चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट उसका, दुकान उसका, बायर का थोड़ी ना चलेगा। वो बार्गेन कर सकता है, बीड कर सकता है, लेकिन देना पड़ेगा तो सेलर के हिसाब से ही ना लेना पड़ेगा। तो वही चल रहा है मार्केट में भी। इस तरह से देखो, जैसे जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, 3002 का शेयर, अच्छा सेलर सेल कर रहा है थोड़ा ज्यादा दाम पे, बायर आ रहा है सर, देखो 3011 3016 हो गया, 5 मिनट में, 10 से लेके 10:05 के अंदर 3000 का शेयर 3016 में पहुंचा। तो जो भी बायर बना है 3002 में, उसको 14 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब आपको डेली मार्केट में ना ऐसा सिचुएशंस मिलता है, हमेशा मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर नहीं होगा, पर कुछ तो मैटर होगा, डेली मार्केट नॉइज बोलते हैं उसको। बट जब भी आपको रियल अपॉर्चुनिटी मिले, आपको इस सिचुएशन में किस तरह से प्रॉफिट करके निकलना पड़ेगा, इसको बोलते हैं टाइमिंग्स, कि कब खेल रहे हो, कब आपको बॉल मिल रहा है मारने के लिए। तो नोटिस, द बायर इज विलिंग टू पे वॉट एवर प्राइस द सेलर वांट्स, एंड दिस इज व्हेन द मार्केट इज सेड टू बी बुलिश। बायर क्या चाह रहे हैं, कि जिस दाम पे भी सेलर बेच रहा है, बायर बोल रहे उसी दाम पे हम ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट जब बुलिश है ना, तब सेलर बायर को भी पता है कि अगर मुझे 3002 में मिल रहा है ना, तो वो उसको पता है कि मैं आराम से 3006 में बेच सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में एक बुलिशनेस क्रिएट हुआ है और ये प्राइस को अप करता है। क्या करता है, अप करता है। क्वेश्चन होता है ना तेरे मन में कि क्यों मार्केट बढ़ता है, तो ये रीजन है मार्केट के बढ़ने के पीछे, ये मैनेजमेंट का रीजन था। ऐसा कोई भी पॉजिटिव मैटर मार्केट को मूव अप करा सकता है। आगे आगे समय और देंगे ना, तो आपको और पता लगेगा कि मार्केट और क्या क्या रीजन से मूव अप हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल था कि मार्केट मूव अप क्यों हो सकता है। मैं आपको एक पॉलिटिकल मैटर भी बोला, एक आपको मैनेजमेंट इश्यूज भी बोला, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड मैटर भी होता है कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे जब गवर्नमेंट बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन आएगा, तो बुलेट ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ जो भी इंडस्ट्री है उसके स्टॉक प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब गवर्नमेंट बोलेगा कि रोड बनेगा, तो रोड रिलेटेड जितना भी इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्री, उसका स्टॉक का प्राइस में चेंजेस आएगा। तो कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम, जैसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, कुछ स्टॉक है जोमेटो, क्रिकेट वर्ल्ड कप के कारण जोमेटो का काफी सेल ग्रो किया है ना सर, लोग घर बैठे बैठे वर्ल्ड कप देख रहे हैं। सबसे बड़ा चीज, जोमेटो को स्पेशल ऑर्डर मिल रहे हैं होटल के लिए, क्योंकि होटल अकेला इतना लोगों को सर्व नहीं कर पा रहा है, तो एक्स्ट्रा बाहर से भी मंगवा रहा है। अच्छा, जो लोग बाहर खेला देखने जा रहे हैं स्टेडियम में, वहां पर भी लाखों का लोगों का भीड़ हो रहा है, वो भी जोमेटो में खाना ऑर्डर करके खा रहा है। सो कहीं ना कहीं जोमेटो का एक एक्स्ट्रा सेल जनरेट हुआ है, इसीलिए 100 का शेयर 120 में चला गया विद इन 15 डेज। यूनाइटेड स्पिरिट्स बोल के एक वाइन कंपनी है, ठीक है, अब ऐसे फेस्टिव मोमेंट में वाइन का सेल बढ़ेगा, है ना सर, लिकर्स का, उसका भी शेयर का दाम में ग्रोथ हुआ है। अच्छा, ये जो पेप्सी कोको कोला कंपनी है ना सर, इसका जो इंडिया में जो काम करते हैं, उसका नाम है वरुण बेवरेज बोल के, हाँ सर वरुण बेवरेज, वही है इंडिया में पेप्सी कोको कोला का मेन सप्लायर, उसका स्टॉक में भी सिमिलरली ग्रोथ हुआ है ड्यू टू फेस्टिव रीजंस, और अभी ग्रोथ बना रहेगा फेस्टिव रीजंस, एटलीस्ट दिवाली तक चलेगा। आप देखो, चेक करो, आपको मिलेगा सारा चीज। तो ये रीजंस होता है हर चीज के पीछे, एक मोमेंटम बनता है। पहले से भाप लेना कला होता है, अगर आप पहले से भाप रहे हो तो ये कला है आपका, यही मार्केट में टिकने का मेन कॉन्सेप्ट है। स्टडी करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, अगर आप समय दोगे कि मार्केट आपको मौका देगा, लेकिन आप बोलोगे बिना समय में आपको मार्केट मौका देगा, कभी नहीं देगा सर। मार्केट आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, मार्केट आपके साथ थोड़ी ना चलेगा, ठीक है सर। तो इस तरह से मार्केट में अप होता है। अच्छा ठीक है, इसका उल्टा हो तो मार्केट में नेगेटिविटी नजर आएगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मानो जिस दिन मैनेजमेंट का ये रिपोर्ट आया, उसी दिन नैसकॉम का एक रिपोर्ट आया। नैसकॉम कौन है जानते हो? नैसकॉम एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए काम करता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर जितना काम होता है, इस इंडस्ट्री का एक ट्रस्ट है। आईटी कंपनीज को, जैसे आप लोगों का लाइन ही है सर आईटी लाइन, नैसकॉम के बारे में जरूर जानो सर, नैसकॉम ही है जो पूरा आईटी इंडस्ट्री का चलाता है।
एग्जैक्टली तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केट के बारे में नैसकॉम ने एक न्यूज जारी किया, मेक्स अ स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट कंज्यूमर्स आईटी बजट सीम्स टू हैव कम डाउन बाय 15% व्हिच कुड हैव एन इंपैक्ट इन द इंडस्ट्री इन द फ्यूचर फॉर दोज अनअवेयर. नैसकॉम इज अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज. तो नैसकॉम ने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन रिलीज किया कि मार्केट में पब्लिक का आईटी प्रोडक्ट में जो खर्चा है वो कम हो जाएगा ड्यू टू एनी रीजन. लेकिन ये नैसकॉम को पता है क्योंकि वो इंटरनेशनली सिनेरियो को देख पाता है, और नैसकॉम का ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उसके पास पूरा रिपोर्ट है, वो देखता है, इकोनॉमी को ट्रैक करता है और वही रिपोर्ट सामने आता है. सेम डे में 12:30 के टाइम पे ये खबर आया, ठीक है, इन्फोसिस तब 3030 में ट्रेड कर रहा था. अब जैसे ये नेगेटिव खबर आएगा क्या लगता है मार्केट जब 3:30 बजे खत्म होने को जाएगा 3030 का शेयर और गिरेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटिमेंट है ना, ये मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा. भले ही मैनेजमेंट रिपोर्ट मार्केट को बढ़ाया था, अब ये नेगेटिव सेंटिमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्री आ गया ना, अभी मार्केट को नीचे गिराएगा क्योंकि पब्लिक का आईटी बजट कम होगा. मैंने पब्लिक पहले से कम आईटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा, और पब्लिक का इन्वेस्ट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा. ऐसा हजारों रीजंस होता है, बट दीज काइंड ऑफ रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस. तो इस तरह से स्टॉक में कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन. कभी कभी अगर कोई रीजंस ना हो, कभी कभी क्या होता है कोई रीजंस नहीं होता है. जैसे अभी मैं आपको इंफोसिस के बारे में बता रहा था, इसमें आपको रीजंस के साथ मैंने बताया. अब कोई बोलोगे सर कि रोज थोड़ी ना न्यूज होता है, रोज थोड़ी ना मैनेजमेंट चेंजेस होता है, रोज रोज थोड़ी ना आईटी नैसकॉम कुछ बोलेगा, कभी 3 महीने में बोलेगा, 4 महीने में बोलेगा, रोज थोड़ी बोलेगा. तो देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे कि मानो रिलायंस, खबर हो ना हो ऐसे कंपनी के शेयर में हमेशा मूवमेंट होता है. अब रिलायंस का वॉल्यूम चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, खबर हो ना हो ये हमेशा खबर में होते हैं क्योंकि बड़ा कंपनी है, इसके शेयर में हमेशा बाई सेल दिखेगा. पर देयर मे बी सडन कंपनीज जिसके बारे में हमेशा खबर ना हो, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है श्री लक्ष्मी शुगर मिल्स, ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है सर, बट इसका सीजनल खबर होगा. जब चीनी का मार्केट जो है ना सर वो इंडिया में जरूरत पड़ेगा तब इस मार्केट में कुछ खबर मिलेगा. तो जब खबर नहीं होगा ना ऐसे स्टॉक नॉर्मली ना इनएक्टिव रह जाता है, माने लिक्विड नहीं रहता, सेलर बायर अच्छा नहीं होगा, तो तब आपको ये सब स्टॉक से थोड़ा सा हटके रहना चाहिए. और जब खबर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में शुगर कैन का मार्केट कब होता है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब साइड में शुगर कैन प्रोडक्शन होता है, तो किस टाइम पे शुगर कैन प्रोड्यूस, तो आपको अच्छा पता होगा एग्रीकल्चर का लोग है, ठीक है, तो शुगर कैन कब प्रोडक्शन हो रहा है. अच्छा, शुगर कैन का मार्केट काफी चीजों पर डिपेंड करता है, मैं जितना जानता हूँ मैं बता रहा हूँ अमोलेंद्र, कि शुगर केन जैसे इंडिया में करेंटली ना शुगर केन से एक बाई प्रोडक्ट निकलते हैं जिसका नाम है इथानॉल. इथानॉल निकल रहा है सर, पेट्रोल में मिक्स करके पेट्रोल का लॉन्गजीविटी को बढ़ा जा रहा है. इसलिए शुगर हम लोग बाहर बेचते कम है, अभी इथानॉल को ही हम लोग फोकस कर रहे हैं कि शुगर प्रोडक्शन होगा मतलब शुगर केन इथानॉल बनेगा, पेट्रोल का दाम भी सुविधा होगा. नितिन गडकरी को जानते हो? नितिन गडकरी को जानते हो सर? ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का. नितिन गडकरी जी ने बताया, जाना करो सर इन लोगों को, अभी आगे आगे आदत बनाओ, कोई बात नहीं, अगर जानते नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जानने के बाद भी अगर ना जानते हो तो वो इशू है, ठीक है. अभी आप लोग छोटे बच्चे हो सर, लेकिन धीरे धीरे आदत डालना पड़ेगा. नितिन गडकरी जी ने बोला कि अगर इथानॉल का जो प्रयोग है पेट्रोल डीजल में ये अगर सक्सेसफुल हो जाए, 1 लीटर पेट्रोल का दाम इंडिया में मे बी 20 रुपीज पर लीटर हो सकता है अगर इंटरनेशनल सारा सिनेरियो स्टेबल रहे तो. तो ये मजाक का बात नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशंस है कि अगर इथानॉल को मिक्स करके जिस तरह से पेट्रोल डीजल को प्रयोग हो रहा है उसमें इजाफा हो रहा है, माने फायदा हो रहा है, लेकिन अभी देखने वाला मत है. तो उन्होंने बोला एक इंटरव्यू में कि अगर ऐसा हो तो शायद 30 रुपीज 50 रुपीज में हमें पेट्रोल डीजल लोगों को मिल सकता है. तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं. तो नो पॉइंट इज दैट. अच्छा, और एक चीज, जैसे 2020 में मुझे याद आ रहा है ब्राजील में शुगर प्रोडक्शन नहीं हुआ. इंडिया के बाद अगर कोई कंट्री सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन करता है वो ब्राजील है. ब्राजील में शुगर का हालत खराब हुआ है क्योंकि टू मच शायद फ्लड वगैरह के कारण. तो ब्राजील में शुगर का मार्केट जब खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का मार्केट जो है वो इंडिया के पास आएगा क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. तो ऑटोमेटिकली जो जो इंडस्ट्री शुगर मार्केट में रहेगा उसका शेयर का दाम बढ़ेगा.
जैसे यहाँ पर श्रीलक्ष्मी बोला है, इसके अलावा और भी कंपनी है, रेणुका सुगर, धामपुर सुगर, है ना, ऐसा और भी कंपनी, हाँ और एक कंपनी कुछ हिंदुस्तान में जो नाम याद नहीं आ रहा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है सर? तो इनका न्यूज हमेशा नहीं होता, लेकिन एक सीजनल टाइम पे होता है, तब इसके स्टॉक में अप एंड डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है रीजन सर कि स्टॉक मार्केट में कंपनी आने के बाद स्टॉक में क्यों अप एंड डाउन चलता है। सुबह 10 बजे से लेके 10:15 तक एक न्यूज था, 12:30 के बाद न्यूज चेंज हो गया तो मार्केट भी चेंज हो गया। समझ गया, आ गया सर? ठीक है, तो ये है स्टॉक मार्केट में शेयर आने के बाद सिचुएशन। अब धीरे धीरे हम लोग सर दुर्गा पूजा के बाद बाकी चर्चा करेंगे कि जब आपके स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक को होल्ड करते हो तब क्या होता है, डीमैट अकाउंट में कैसे स्टॉक आता है, ठीक है, होल्डिंग पीरियड कैसे, आपको कितना दिन तक शेयर होल्ड करना चाहिए, कब शेयर छोड़ के निकलना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, बाई सेल कैसे करना चाहिए, ठीक है, ये बात, ये सब डिस्कशन, रिटर्न कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, ठीक है, ये सब डिस्कशन हम लोग दुर्गा पूजा के बाद ही करेंगे। और फिर हम लोग वो जब हो जाएगा फिर मेरा बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर एडवांस लेवल में वो जो बोल रहे ना सर चार्ट कैसे पढ़ेंगे, अब वो चार्ट पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है सर, आज इतना ही है। नंदन ओके बोझा गए थे तो? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ बोल, क्यों ना, कारण रिजल्ट सीजन चल रहा है शेयर में। किसे, चीनी, चीनी मार्केट है? না 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 মানে এমনি তো আমাদের কর্পোরেট ইভেন্টের রেজাল্ট সিজন চলছে, তো সেকেন্ড কোয়ার্টারে রেজাল্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ড কোয়ার্টারে রেজাল্ট আসছে, বাজাজ ফাইন্যান্স রেজাল্ট পোস্ট করলো, বাজাজ ফাইন্যান্সের শেয়ার দেখুন ক্র্যাশ করে গেছে, মানে ডাউন গেছে। তারপরে কালকে এলটিআই মাইন্ডট্রিরও ভালো রেজাল্ট এসেছে, আজকে 5% আপ আছে এলটিআই মাইন্ডট্রি। আচ্ছা, রেজাল্ট কা টাইম হে স্যার, অক্টোবর কা কোয়ার্টার কা রেজাল্ট আনে ওয়ালা হে, তো ইয়ে ভি টাইম হোতা হে, ইয়ে ভি এক আচ্ছা পয়েন্ট বোলা স্যার কি জব এভরি কোয়ার্টার মে फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश होता है तब भी शेयर मार्केट में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलता है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। आज के हैवेल्स का रिजल्ट है सर, हैवेल्स का रिजल्ट है आज, देखो अगर रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव होता है तो शायद ग्रोथ ही मिलेगा। पोनोटा का बेड़े से यार, तो हमारे इन्होंने तक किने से ना पोनोटा का बेड़े से। ठीक है सर, राखी आज के आते टाइम, एयरपोर्ट दुर्गा पूजा पर है नंदन, हाँ सर ग्रुप पे डिस्कशन चली जा, ठीक है, मुझे देखते देखते। हाँ बोल, मुझे कल का एक रिपोर्ट पूछलाम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, ওদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী এই বছর মানে এই যে নভেম্বর সিজন শুরু হচ্ছে ওয়েডিং সিজন, হ্যাঁ হ্যাঁ 35 লাখ বিয়ে হবে। তাহলে তো মান্যবর শেয়ার কিনতে, মান্যবর, হ্যাঁ 35 লাখ জানতে হো স্যার, 35 লাখ शादी होगा इस साल, 35 লাখ বিয়ে হবে, আর এর জন্য টোটাল যে সেলস মার্কেট মানে মনিটারি দিয়েতে ওর হচ্ছে কত 21 লাখ কোটি টাকার মার্কেট হবে, আর তার মধ্যে 3.5 লাখ বিয়ে শুধু দিল্লিতে হবে, দিল্লির মার্কেটে 1 লাখ কোটি টাকা। ও দিল্লি, দিল্লি কা शादी মানে তো একদম বিগ ফ্যাট ওয়েডিং, উদার বহুত মহঙ্গা शादी होता है, ঠিক আছে, পয়সা উড়াতে না লোক, হ্যাঁ নর্থ ইন্ডিয়ান शादी में পয়সা উড়ায়। কমেন্টে শুনছিলাম মানে মানবরের, রেমন্ডের, তারপর হচ্ছে জারা, मान्यवर, हाँ मान्यवर का शेयर ग्रोथ हो सकता है क्योंकि हमेशा इस टाइम पे एक फेस्टिव सीजन चालू होता है, शादी का टाइम आएगा, मान्यवर का शेयर देखना सर, है सर मान्यवर शादी स्टॉक में है, 2020 में आया है मान्यवर, काफी फायदा देगा। पैंटलून्स का शेयर देखना, वेदांत फैशन, वेदांत फैशन ना, है सर, तारपर मान्यवर का शेयर करना, ट्रेंटेड का वेस्ट साइड आछे, जूडियो आछे, जारा आछे, जारा है, वेस्ट साइड है, काफी सारे कंपनी का नाम बता रहे, एक ग्रुप में डिस्कस कर सबको पता चले। अच्छा सर, ठीक है, राखी ताले ना की सर।